अरे जल्दी चलो, वो पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे रुको रुको रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम उसे नहीं चला जाए, मेरी टांगे जवाब देगी, मैं थक चुका हूँ। अरे हाथी के बच्चे आ रहे हैं, जल्दी चलो, कान उतारने में वो लोग हमको मार डालेंगे। चलो भागो जल्दी, चलो जल्दी चलो, वो जल्दी भागो। अरे धोती पकड़ के भागो, अरे अरे धोती खुल गई मेरी, अरे रुको बांधो, अरे इनकी धोती कैसे उतर गई, चलो जल्दी, अरे बांधो तो जल्दी करो, भागो, अरे जल्दी चलो ना, उनके हाथ लग गए तो वो हमारा सिर फोड़ देंगे, निकलो। अरे वो लोग आ रहे हैं, चलो जल्दी, अरे चलो जल्दी करो, अरे राम अब मैं नहीं चल सकता, मैं थक गया। अबे तेरी वजह से हम लोग कितनी बार फंसे हैं, अब चलो यहाँ से, चलो चलो, अरे आओ जल्दी। हे भगवान बंद करो, छोड़। अरे हाथी कह के मैंने दरवाजा बंद करने को कहा, मुंह नहीं। ये बात पहले भी तो कह सकते थे ना। अरे जा। कौन है? ओ पति महोदय। कौन है? क्यों जी, सभी लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। एक हाथ अगर गाल पर पड़ा ना तो तेरा मुंह काला बैगन हो जाएगा। बड़ी आई है जबान चलाने, आई बात समझ में? ये बता तुझे क्या हम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुझे? क्या? जी, ये तो मुहूर्त का समय है, आप सबको अब तक तो मंडप में होना चाहिए था, यहाँ हो ऐसी क्या बात है? इसको अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो हमारी चिता सड़ गई होती। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ए अब कृष्णा कृष्णा मत कर, तुझे मैं सभी तीर्थ स्थलों पर ले जा चुका हूँ, भगवान से हमने मांगा था एक लायक सुपुत्र, तूने क्या दिया है मुझे? तूने पैदा किया इस बेवकूफ को, इसने आज क्या किया है पता है तुझे? इसकी गलती की वजह से वो शादी के घर वाले हमारी चोटी और जनेऊ को काट कर फेंक देते, कैसे भी करके हम वहाँ से अपनी जान बचा कर भाग कर आए हैं। आई बात समझ में? मिस्टर शास्त्री जी, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बुरा मत बोलिए, ये कौन सा बड़ा समझदार है, छोटा सा बच्चा है, 30 ml मिल्क कोक, बेचारा। तुम्हारे इस भोले बेटे ने कितना बड़ा पाप किया है, सुनोगी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बाबू जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप बेकार में ऐसा झूठा इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। ये भांजे किस झूठे इल्जाम की बात कर रहा है, तेरी गलती की वजह से तो हम लोग धक्का खाते हुए किसी तरह यहाँ पहुँचे। मामा जी, आप भी बाबूजी की तरह बातें कर रहे हैं, मैंने तो बस अंदर ढकेलने के लिए कहा था और उसने ढकेल दिया। इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ, कौन ढकला, क्या ढकला, किसे ढकला, किसी लिए ढकला, कौन किसको, किसी लिए क्या क्या ढकला। अरे जरा मेरी बात सुनेगी क्या है? इस नालायक ने वहाँ शादी में क्या किया पता है? फेरों के समय ऐसी ऊटपटांग बातें करने लगा कि हंगामा मच गया। बहन जी आप हाथ में अक्षत ले लो, आप भी ले लो। जी पंडित जी लीजिए, अक्षत अक्षत लीजिए, मुझे भी दीजिए। मामा जी मामा जी, आपकी धोती क्या गवान जी? धोती खुल गई, धोती ये पड़ पड़ी, इसे क्या हुआ? अंदर ढकेलिए ढकेलिए अंदर ढकेलिए। अरे धक्का दो ना। अरे भांजे बस इतना ही? इतना ही फूटे करम, इसने उसे धकेलने को कहा, लड़के ने लड़की को धकेला, लड़की ने अपने माँ बाप को धकेला, उसके माँ बाप ने दूसरे को धकेला, दूसरे ने उसके चाचा चाची को धकेला, इस धकेला धकेले में पूरा गांव आ गया। फिर क्या हुआ पता है? किसी ने कहा शास्त्री जी को पकड़ो, पूरा गांव हमारे पीछे पड़ गया। मम्मी मामा जी की धोती खुल गई थी, उसे लोग देख लेते तो हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, उसे मैंने बचाने की कोशिश की। इन दिस व्हाट इज माय फॉल्ट मम्मी? नो 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 फॉल्ट, सब किस्मत का लिखा है। यू मीन किस्मत में लिखा था? यस यस। अरे भांजे तूने तो कहा था ढकेलो, अगर तू ये नहीं कहता तो वहाँ सब कुछ राइट 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 ही होता। अब बस भी करो, पंडित के परिवार में तुम लोग अंग्रेजी बोल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम लोगों की ये अंग्रेजी की गिटपीट मेरे पैर से लेकर सर तक आग लगा रही है, समझ में आई बात? सुन बेटा, पुरोहित गिरी में अंग्रेजी नहीं चलती। बाबू जी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई की है और पूरे कॉलेज में मैं फर्स्ट आया हूँ। आपके बाप दादा इसी सोच को लेकर दुनिया से चल बसे कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह पंडित बने, उसी तरह मैं भी आपके यहाँ जन्म लेकर फंस गया। अब ले लिया तो ले लिया। बहुत बोल रहा है तू, अब तेरे मुंह से अगर एक भी शब्द निकला ना तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। मेरी बात सुनिए, जो होना था वो तो हो गया, शांत हो जाइए, आइए मैं एक आइडिया देता हूँ। छोड़ो ना मुझे,
भाई हाँ। गोल्ड मेडल और डिग्री लिए हुए लड़के से हाँ। आप पुरोहितगिरी कराएंगे तो क्या होगा? तो जो तुम कहोगे वो करेगा क्या? मैं कहूंगा तो भी नहीं करेगा, आप कहेंगे तो भी नहीं करेगा। तो फिर व्याहता पत्नी कहेगी तो करेगा? ऐसी बात है क्या? तो शादी कराते हैं उसकी। इसके लिए हमारे नारायण स्वामी की बेटी कैसी रहेगी? साक्षात महालक्ष्मी का रूप है वो लड़की। तो जाकर लड़की के बाप से बात करो। मैं अभी बस पकड़ कर जाता हूँ। आ जा भांजे, ये तेरी महालक्ष्मी का काम। मामा जी अगर घर वाले भी आते तो कितना अच्छा होता ना। ये पहले माँ बाप आकर लड़की को पसंद करके शादी करवाते थे, वो ओल्ड स्टाइल था। आजकल लड़का लड़की को पहले देखकर फिर माँ बाप को बुलाकर शादी करवाते हैं, नई स्टाइल है। हाँ लेकिन बाय चांस मान लीजिए वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई, बीच में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, तो ये सोचकर मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। देख भांजे, जब मुसीबत सामने आती है तो उसकी हेल्प किए बिना वहाँ से चुपचाप निकल जाने वाले को अक्लमंद कहते हैं। मुसीबत आएगी तो वो तुझ पर आएगी। मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। तो आपने ऐसा सोचा है? थैंक्स। चलिए अब देखते हैं मुसीबत किसके गले पड़ती है। किसको मुसीबत आने वाली? मुझे मामा जी, मुसीबत तो मुझे ही आएगी ना। अब चलिए चलिए ना। आजा आजा आजा। कितनी अच्छी दिख रही है ना भांजे। पीछे से तो ठीक ही दिख रही है। अब आगे चल के देखे भांजे, उसका चेहरा देखकर डिसाइड करना यही हमारा पहला काम है। तो चलकर उसका चेहरा देखिए। आप अकेले जाकर देख लीजिए ना। तुम भी चलो। अरे आप जाइए ना मामा। अरे जाइए ना, बड़ी बहुत शर्म आ रही है। चेहरा तो देखो। यहाँ पर गोल, यहाँ भी गोल है। ए शर्मीली, चल चेहरा दिखा। अरे बाप रे। ओके है ना? तू रो क्यों रहा है भांजे? ओके है तो हाँ बोल, नहीं तो ना बोल। रोने की क्या जरूरत है? अरे नहीं 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 नहीं। माँ, एक मोटा सा आदमी आके मेरा रेप करना चाहता है। मैंने रेप नहीं किया। ए भांजे, तू मुसीबत से छोड़ के कहाँ जा रहा है मुझे? आप ही ने तो कहा था मामा, जब कभी भी मुसीबत सामने आती है तो उसका सामना करने की बजाय वहाँ से भाग जाने में अकलमंदी है, इसलिए एस्केप। माफी भांजे, लड़की तुझे देख रही थी और बलि का बकरा मुझे बना के भाग रहा है तू। आप घर पे आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। किसी तरह जान बचाकर भागिए वहाँ से। जान बचाकर भागाऊं? ए 25 साल पहले इसकी शादी हुई होगी और 50 साल की उम्र में ये रंगोली बना रही है। मैं ऐसी बुढ़िया का रेप करूंगा क्या? ए बहन जी, मैंने आपका रेप किया है। मैंने रेप किया है? ये झूठी, तेरे मुंह में छाले पड़े। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि पूरा गांव डंडा लेके मेरे पीछे पड़ा है? एक लड़की का चेहरा देखने की इतनी बड़ी सजा, बिना पाप के पापी बना रहे, और फिर कोई हो गया। ए भाई, सुबह से तुम जिस आदमी के पीछे भाग रहे हो वो पकड़ में आया क्या? अच्छा तो तू ही है क्या वो? तुम कौन हो भाई? मैं इस गैंग का लीडर हूँ भाई। ये बात पहले नहीं बता सकते थे? सुबह से बस इसी गली में भटक रहा हूँ। हे भगवान, मेन रोड का है बता दे ताकि इन गलियों से मुक्ति पा लूं। अरे मेरी माँ, मैं बुलेट की तरह भाग रहा हूँ, सामने से अगर बस आ गई तो मेरा क्या होगा? ये सांड कहाँ से बीच में आ गया? अरे बाप रे, मामा जी ट्रक की तरह टक्कर क्यों मार रहा है मैं? ये सब आपकी वजह से हो गया। क्या? मेरी वजह से? और क्या? तो ठीक है, आज का तेरा रूट अलग, मेरा रूट अलग। ठीक है, जाओ जाओ।
अरे अरे भाग बापरे बाबूजी बोलो पीछे पड़े हमें एक मिनट से भागना है भागो 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 अरे जल्दी चलो लगता है अब हम सही मामा जी अब मैं नहीं चल सकता मेरी सांस फूल गई है गोविंदा गोविंदा अब तू ही बचा ले इधर ही होगा आ जाओ सब लोग अरे कहाँ फंस गए हाँ इससे बच जाएंगे मामा जी आप मुझे फॉलो कीजिए हाँ आइए 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 सब लोग यहीं रुको देखते हैं ये लोग क्या करते हैं अरे आओ ना सांड की तरह वहीं पर पड़े हो जल्दी आओ और जंप करो हमारे लिए यही लास्ट चांस है मामा जल्दी आओ ना यार तो सिर्फ बब्बू नजर आ रहा है भांजा कहाँ गायब हो गया सुबह दौड़ना शुरू किया था शाम के 4 बज गए तुम लोग अब भी दौड़ा रहे हो इतना दौड़ा रहे हो कम से कम एक चाय तो पिला दो ए, वो मोटा वहीं पे है हाँ, हाँ, चलो मामा जी मैं इंतजार कर रहा हूँ जल्दी जंप करो ना अरे मेरी बॉडी के अंजर बंजर टूट गए चलो हे बब्बू महाराज तुम्हें बचाना मुझे अब फंस गया ना क्या हाथ लग गया थे ये मुझे वेजिटेबल की तरह काट देंगे अब कहाँ जाएगा मोटे अब भागने नहीं देंगे क्या मैं इतना बड़ा बम्बू लेकर मुझे आंखें क्यों दिखा रहा है ये मार देगा हमें जो भी दफा हम बातों में सटा लेते हैं भाई समझ के देखो भाई कुछ भी हो तुमने मेरी बहन को छेड़ा है ना ये गलत बात है ना छेड़ा था मैंने तो और किसने तेरी बहन का मैंने रेप किया है बिल्कुल तुम लोगो ने रेप होते देखा है क्या हाँ जी तुम्हारी तम में लड़की तेरे लिए देखने आया था और तेरे साथ आके मैं किसी और लड़की के लायक नहीं रह गया अब मैं शादी कैसे करूँगा हाथ पांव चलाते हुए दबंग दिख रही है फिर भी ये लक्ष्मी जैसी दिख रही है मेरे बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाने के लिए कराते लड़के की तरह नहीं लड़का ही है ये यस डैडी कुछ नहीं होने वाले ससुर जी को प्रणाम करो डैडी डैडी लड़का बहुत अच्छा है क्या मैं इसे मंगलसूत्र बांध दूं ऐसा नहीं है देवी जिससे तुम्हें शादी करनी है वो ये नहीं है इनका बेटा है भांजे दहेज तुम्हें चाहिए नहीं ये बात तो बहुत अच्छी है फिर भी जीजा जी जिस लड़की को देख कर आए तुम उसे शादी क्यों नहीं करना चाहते अरे शादी नहीं करना चाहता ये आपसे किसने कहा उस लड़की से नहीं जिससे शादी करूंगा उससे पहले प्यार करूंगा उसके बाद शादी करूंगा लव मैरिज मामा जी लव भांजे धोती पहन के घंटी बजा के मंत्र पढ़ने वाले हम जैसे लोगों को लव का चक्कर शोभा नहीं देता क्यों घंटी बजाकर पूजा करने वालों के सीने में दिल नहीं होता क्या हमेशा विभूति लगाकर प्राचीन सभ्यता के हिसाब से हम जीते रहेंगे मामा जी लड़की ऐसी हो कि देखते ही होश उड़ जाए धड़कने तेज हो जाए जिसे मैं चाहूंगा वो सबको पसंद आनी चाहिए ऐसी लड़की से मैं प्यार करूंगा मामा भांजे जैसा सोचता है वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं तो गोविंदा है ना मैं अरे बहुत ही धार्मिक है यही लड़का मेरे घर का दामाद बनने लायक है हाथ में थाली लेकर जो गंगा जल छिड़क रहा है ना वही लड़का तेरा होने वाला पति है पसंद है ना डैडी लड़का बहुत अच्छा है मैं ही मंगलसूत्र पहले तो मुझे जाकर प्यार करो भांजे इसे भगवान पर चढ़ा करा ठीक है मामा जी Thank you.
हाँ लिख दिया मामा जी, पढ़ू क्या? हाँ। श्री अस्तु शुभम अस्तु अभिग्नम अस्तु। अद्भुत लिखा है। कुमारी सौम्या जी के चरणों में। तेरे सर पे नारियल फोड़ू क्या? क्यों मामा जी? तुम्हारे चरणों में नहीं, तुम्हारे हृदय में। तुम्हारे हृदय में इस नाचीज शास्त्री का दिल से प्रणाम स्वीकार हो। ये शास्त्री आपको साष्टांग प्रणाम करता है। ये क्या तरीका है? तू प्यार करने के बजाय उसके पैर पड़ने जा रहा है क्या? इस प्रणाम शब्द को काट दे। ठीक है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरी भावनाएं प्रेम रूप में बदल कर हृदय में एक राग गूंजने लगा। ये जीवन अब तुम्हारे हवाले, अब तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ये बंधन जीवन भर के लिए बंध जाए। मैं तो यही चाहता हूँ भांजे कि तुम्हारे इस प्यार में मेरा भी नाम जुड़ जाए। नहीं मामा जी, सिर्फ मेरा ही नाम रहने दीजिए, शिवराम शास्त्री का नाम। चलेगा, लगे रहो लगे रहो। अरे अब आगे तो सुनिए मामा। आज रहो। मेरे प्रेम को तुम समझने की कोशिश करो। अगर मुझसे प्रेम करोगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इससे बढ़िया लव लेटर ना तो किसी कवि ने, ना किसी उपन्यास लेखक ने, या किसी प्रेम कवि ने आज तक नहीं लिखा होगा भांजे। ये लीजिए। किसे? मुझे? नहीं 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 मामा जी, ये ले जाकर उसे दे दीजिए। मैं दे दूं? कुरुक्षेत्र में अर्जुन की मदद करने के लिए कृष्ण के अलावा और वहाँ कौन था मामा? मेरी इस प्यार की लड़ाई में आप ही तो हो श्री कृष्णा। इस नारियल के आधे हिस्से में तेरा प्यार कामयाब हो जाए। गोविंदा इसे संभालना। बकरे को शेर ने खा लिया, पता नहीं वो बकरा किसका होगा। लव लेटर तुझा। अरे बाप रे, मर गया, मेरा सिर फूट गया। अरे अंकल, क्या हुआ अंकल? देखो ना बेटी, किसी ने मेरे सिर पर नारियल दे मारा। ए, कौन है वहाँ? इसके तो श्री अस्तु शुभम अस्तु अभिग्नम अस्तु। बेशरम, मुझे लव लेटर लिखते हो? लाया तो मैं ही था, लिखा दूसरे ने। आई एम जस्ट अ कुरियर सर्विस। किसने लिखा है? वो जो वहाँ खड़ा है ना, उसने। ए शास्त्री, ये क्या है? बचपन से तुमने कितनी फिल्मों में देखा होगा, ये वही तो है जिसे लव लेटर कहते हैं। और इसका अंजाम क्या होगा पता है तुम्हें? मैं सबके लिए तैयार हूँ। मैंने ये लेटर क्यों लिखा? तुमसे मुझे कैसे प्यार हुआ ये सवाल मत करना। प्यार पूछे बिना बताए बिना बस हो जाता है, और होने के बाद अगर हम उसकी ना सुने तो बहुत तकलीफ होती है। पहले कभी तुमसे ये बात किसी ने कही नहीं होगी, इस तरह लेटर भी नहीं लिखा होगा। लेकिन मेरा भी तो ये फर्स्ट टाइम है। एक बार हमने एक दूसरे को हार पहना दिया है, उसी तरह दिल भी एक दूसरे को दे देते हैं। पहली बार ये गलती हुई है, इसीलिए कोई सजा ना देकर एक्सक्यूज कर रही हूँ। दोबारा अगर ये गलती हुई तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, माइंड इट। क्या हुआ भांजे, सही जगह आंकड़ा फिट नहीं हुआ क्या? लड़कियों की बात हमेशा उल्टी होती है मामा, वो हमेशा नाना करेगी उसका मतलब हाँ होता है, आप नहीं समझेंगे। चलिए, दो लवर्स के बीच में हमेशा तीसरा घुन की तरह पिसता है। क्या आई लव यू कहा? कौन है वो, इंजीनियर है या डॉक्टर? इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, मंदिर का पुजारी है। क्या, मंदिर का पुजारी? उसका सीना फाड़कर उसका दिल निकालकर अपने जेब में नहीं डाला तो मेरा नाम छोटा चौधरी नहीं। चल रिवर्स। बिल्डिंग स्ट्रांग है, बेसमेंट वीक है। नहीं नहीं, तुम कितनी भी बार टक्कर मारोगी मुझे कोई गम नहीं होगा। मुझे आप बहुत पसंद हो। टुडे या टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो, टुमारो नेवर डाइज। मेरे फादर तुम्हारे फादर से बात करने के लिए तुम्हारे घर आ जाए। ओके बाय बाय। अबे आजा। ये क्या बच्चों, रास्ते में जाने वालों को रोककर उन्हें क्या लूटने का इरादा है तुम्हारा? ये शेर के बच्चों की सेना है। मैं कौन हूँ पता है? कौन हो? शेर हूँ, जांबाज शेर। तुम शेर हो वो तो ठीक है, तो फिर शेर का बच्चा कौन है? दबंग देखी क्या? नहीं, मैं धार्मिक फिल्में देखता हूँ। ठीक है, सिंघम देखी है? नहीं, मैं शिवलिंग देखता हूँ। खैर जाने दो, मैं हूँ रखवाला देखी है? गांव वालों ने देखी है लेकिन मैंने नहीं देखी। प्यार चाहिए तुम्हें? प्यार करता हूँ ना, एक लड़की से
बहुत गहराई से प्यार करता हूँ। कोई शक नहीं, यही हमारा दुश्मन है, इसे छोड़ना नहीं। एक डमी मतलब तू उस लड़की को भूलेगा नहीं ना? मैं उसे ऐसे कैसे भुला सकता हूँ? तैयार हो? तैयार है। फिर कभी प्यार व्यार का नाम लिया तो माइंड इट। चलो सब, चलो चलो चलो, दोबारा। अरे क्या मामा, आप तो बिल्कुल ऐसे रो रहे हो जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए रोता है। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद मैं रो नहीं तो क्या करूं? LKG UKG के बच्चों ने मुझे गधे की तरह धो दिया। ठीक है, हुआ क्या था बताइए। जब कोई दूध लेने जाता है तो उसे भैंस लात मारती है क्या? उसने मुझसे बहुत फिल्मों के नाम पूछे पर मैंने देखी नहीं तो बताता कैसे? हम शास्त्री लोग पिक्चरें कहाँ देखते हैं भांजे, इतनी छोटी सी बात पे पिटाई करने की क्या जरूरत थी? जनरेशन बहुत बदल गई है मामा जी, ये मार धाड़ वाली आजकल की फिल्में देख देख कर बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। गुड़िया दिलाने के लिए बाजार ले जाओ तो बॉम्ब मांगते हैं। आजकल के बच्चे बहुत बड़े गुंडे बदमाश हो गए। उस गैंग में एक छोटा सा लड़का था, वो छुटकू उस्ताद। हाँ। अगर मुझे चलते रास्ते कहीं नजर आ गया ना तो उसके हाथ पैर तोड़ के उसका मोटा गोला बना के, वो जो चौका छक्का लगाता है उसका नाम क्या है? सचिन, 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 सचिन की तरह चौका छक्का लगा के बाहर कर दूंगा। अरे भांजे, छुटकी गैंग में वो एक डेढ़ शाणा लड़का था ना, वो देख वो सामने है। आज मैं इस छोटे शाणे के मुंह में 1 किलो कपूर ले जाके भर दूंगा और उसमें आग लगा दूंगा और उसे पूरी तरह स्वाहा कर दूंगा गणपति के नाम पे। क्या हुआ बेटे, प्रसाद खाने के लिए तू मुझसे पहले ही आ गया? मैं एक शैतान की धुलाई करने आया हूँ। उसका बाप तो इंस्पेक्टर है मामा जी, आप उसके मुंह में कपूर ठूसोगे तो उसका बाप आपके मुंह में गोली ठूस देगा। नारियल से धुलाई करने की क्या जरूरत है, उसे मैं यूं ही पकड़ के निचोड़ दूंगा और सारी भाईगिरी निकाल दूंगा। मामा जी, सौम्या जी भी आई है, आज के अपने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए, मैं तो रोमांटिक मूड में हूँ, आप बस मेरी हेल्प कीजिए। अंकल आइए चलते हैं। चलो बेटा आइए 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 आइए, आप मेहमान बन के हमारे मंदिर में पधारे, इस देवस्थान को पवित्र किया, ये देखकर हमारे दिल में बहुत 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 खुशी हुई। बोलिए आपको क्या करवाना है, अभिषेक या अर्चना या प्रभात फेरी या महाआरती? देख लिया ना बेटी सौम्या, पुलिस वाले को कितनी इज्जत मिलती है। अरे नहीं नहीं, ये सभी आपके लिए। क्या बात है पंडित जी, इतने सारे? इनमें से आधे नारियलों का हलवा बना लीजिए और आधे नारियलों की चटनी बना लीजिए, तीखा मीठा कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया और टेस्टी होता है। पंडित जी इधर भी। ठीक है ठीक है। ये लीजिए। पंडित जी इधर भी। हाँ देता हूँ। पंडित जी इधर इधर। डेढ़ फुटिया शाणे, तुझे तो मैं बताता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? ए, क्या है ये? क्या बात है बेटा, भगवान शिवजी ने दर्शन दिए क्या? नहीं नहीं, शिवजी ने नहीं, राहु ने दर्शन दिए हैं। अरे अरे अरे, ये तो निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा, ये तो फंस गया, पूरी तरह से फंस गया। अरे अरे भांजी, ये तो फंस गया है। कैसे फंस गया, अब इसको निकालेंगे कैसे? एक तो तुमने मेरे बच्चे के सिर में फंसा दिया और ऊपर से निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे कर रहे हो? एक मिनट पकड़ना इसको, इधर आ बेटा। अरे अरे, हटाओ हटाओ पैर। क्या है ये सब, ये मंदिर है या कोई कुश्ती का मैदान है? इस पात्र को निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? रुको बेटा, निकाल रहा हूँ। हे भगवान, यहाँ के देवता का नाम क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी। जय सुब्रमण्यम स्वामी। अरे बाप रे, ए मोटू पंडित, आओ इसे निकलवाने में मदद करो, आओ आओ। ये निकल नहीं रहा है, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, वहाँ ले जाकर इसे कटवा कर कांस्टेबल के हाथों भिजवा देता हूँ। आप इसे कटवाएंगे? ये पात्र नहीं कटवाऊंगा, इसका सिर कटवाऊंगा।
चलो बेटा, लगता है भगवान तेरे सिर पर आकर बैठ गए हैं। चल चल। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो लेना पड़ेगा ना मामा। अरे अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? वो स्वर्ण पात्र तो मैंने जानबूझ के फंसाया था। उस स्वर्ण पात्र के बहाने तुम उनके घर पे दो चार बार आ जा सकते हो। उसके बाद वो चरण पात्र तेरा और वो लड़की मेरी। अब उल्टा बोल दिया मैंने, चरण पात्र मेरा, लड़की तेरी। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ए जी, हाँ। अब हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आरती लीजिए। हाँ। सर देखिए ना जी, ये लो, पूजा के सही समय आ गए। आइए आइए भगवान जी, आइए। पंडित जी, मंदिर छोड़कर आप लोग यहाँ किस काम से आए हैं? श्रीमान जी, हमारे लिए ये स्वर्ण पात्र बहुत अहम है। अगर मैं इसे नहीं ले गया तो मेरे पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब मैं अपने बच्चे का सिर काटकर इसे दे दूं क्या? नहीं, शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। क्या शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। ये मेरा 1.5 फुटिया बेटा रोज नाश्ते में 30 अंडे का आमलेट और 3 मुर्गे खाता था, और खाने में 1 बड़ा बकरा खा जाता था। सुनो सर जी, आपका लड़का तो पूरा डिस्कवरी चैनल हड़प जाएगा। इसकी वजह से चैनल को बैन करना पड़ सकता है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा प्यारा बेटा सिर्फ 6 केला और आधा नारियल ही खा रहा है। अगर इसी तरह से डाइटिंग रही तो बॉडी अपने आप सिकुड़ जाएगी और स्वर्ण पात्र ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। महाशय, ये स्वर्ण पात्र हमें कब मिल जाएगा ये पता चल जाए? आप लोगों को रोज रोज यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये निकल जाएगा हम लोग खुद इसे मंदिर में पहुँचा देंगे। अब आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। हम तो अपनी चीज मांगने आते हैं, चोरों की तरह धुतकार रही है। सौम्या जी, क्या है? इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चलो बाहर निकलो यहाँ से। पता नहीं क्यों, लेकिन आपसे मुझे बहुत प्यार हो गया है। लेकिन पता नहीं आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। इस मैटर को हम दोनों किसी पार्क में बैठकर आराम से डिस्कस करके सुलझा सकते हैं ना। रहने दीजिए, नहीं जाने दीजिए, मेरा दिल बहुत बड़ा है। ये बात आप समझ नहीं पा रही हैं। वो क्या है ना, मैं यहाँ बार बार इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने ससुराल में आया हूँ। आपके चाचा को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने मामा जी से मिल रहा हूँ, और तुम्हारा भैया जब उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने साले साहब से मिल रहा हूँ। ओवरऑल आपकी फैमिली अब मुझे अपनी फैमिली लगने लग गई है। देखो सिब्बू, तुम मेरे बारे में जितना सोचोगे तुम्हें उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। मैं आपके लिए हर तकलीफ का सामना करने को तैयार हूँ। ये प्रसाद ले लो। मुफ्त का देसी घी खा के चर्बी ज्यादा ही बढ़ गई है। सौम्या जी, जरा 1 मिनट रुकिए तो सही। हम जैसे पुरोहित से शादी करके आपके कितने सारे फायदे होते हैं आपको बताता हूँ मैं। फायदा? क्या फायदा? 1 नहीं 2 नहीं, आप जब भी कोई फंक्शन करेंगी तो 1 रुपया भी दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। विवाह के समय वर दक्षिणा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। सुखी जीवन बिताने के लिए बाहर से कोई चीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो पत्नी को एक करके डांटने के अलावा हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर बीवी ने कभी पिटाई कर भी दी तो उसे हम अंदर अंदर छुपा लेंगे, बाहर किसी को बताएंगे नहीं। देखिए, मैं इतना अच्छा लड़का होने के बावजूद भी आप मेरे प्यार को ठुकरा कर पैरों के नीचे कुचल रही हो। बहुत बड़ा पाप है ये। कोई रीत है क्या? धर्म है क्या? सही है क्या? ये इंसानियत है क्या? Stop it! क्या कहा? पूजा में मिली मुफ्त की चीजों के खातिर मैं तुमसे प्यार करने लगूं? सिर्फ प्यार ही नहीं कर सकती, विवाह भी कर सकती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। Stupid! शादी करोगी तो पुरोहित का खर्चा भी फ्री। क्या कहा? मैं तुमसे शादी करूंगी? मेरा बैकग्राउंड तुम जानती नहीं हो इसीलिए ये बकवास कर रहे हो। ये बात मेरे घर वालों को पता चल गई ना तो तुम्हारी कहानी समझो खत्म। मुझे छूने का मतलब है आग को छूना। दोबारा मेरे पीछे मत आना। गेट लॉस्ट। ए, चला रहे? अरे वर्मा, तुम्हारे बड़े भैया कैसे हैं? भैया को क्या होगा, वो तो बाघ की तरह है बाघ। हाय अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। और पापा कैसे हैं? पापा को क्या होगा, वो तो शेर की तरह है शेर। अभी तो तुमने बाघ जैसा कहा था। हमारे गांव में बाघ, शेर, हाथी सब कुछ हमारे भैया ही है। हाँ भाई, अभी ले जाके अंदर रखो। ठीक है, लगता है भाई ने टोकरी भर के आम भेजे हैं। आम नहीं भिजवाए भैया, बॉम्ब भिजवाए हैं। बॉम्ब? सही कहा, बॉम्ब भिजवाए हैं। पुलिस ऑफिसर के घर में बॉम्ब?
तो क्या है भैया कि यहाँ पे सेफ रहेंगे, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है भैया, आप तो कहते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेते, फिर ये मुकुट इसके सर पे कैसे? ये कोई मुकुट उकुट नहीं है, ये स्वर्ण पात्र है। हम लोग मंदिर गए थे, इसके सर पर रखा, वैसे ये चिपक गया। हम लोग एक हफ्ते से निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकलता ही नहीं है। निकल नहीं रहा है। ए, इधर आना। जाओ ये निकालेंगे। भैया जरा 1 2 3 बोलना। 1 2 3। छोटे तेरा सर कहीं पे नहीं गया, वो यहीं पे है। अरे हाँ मेरा सर तो यही है। ये विश्वास नहीं होता तो अंदर शीशे में देख ले। थैंक्स अंकल। फैंटास्टिक अंकल, कितने आराम से निकाल दिया आपने। ये तो सिर ही निकाल देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये संभाल कर रखो, मंदिर में जाकर पुजारी को दे देना। भैया मुझे एक पंडित चाहिए। इसलिए जो करेक्ट मुहूर्त निकाल सके। शादी का मुहूर्त है क्या? बिल्कुल नहीं, मार का मुहूर्त निकालना है। इसे बाहर ले जाओ वरना इमोशन में आकर कहीं हम लोगों को काट डाला तो। चलो रे। भक्त लोग भी नहीं आ रहे हैं, जिम में एक फूटी कौड़ी नहीं है, अब क्या करें। मामा जी आइए पूजा करवाइए। मामा जी कल पूर्णिमा है, सौम्या का जन्मदिन भी है। बड़े कमाल के प्रेमी हो भांजे, उसकी जन्म कुंडली दिमाग में स्टोर करके घूम रहे हो। स्टोर करके तो रखा है लेकिन फायदा क्या, एक गिफ्ट देने की सोचू तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। ए भांजे तेरी होने वाली दरी आ रही है। बाजू उठिए। मैं अर्चना, अभिषेक, प्रभात फिर या महाआरती कुछ करवाना है क्या? सबकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा ये पात्र लौटाने आई हूँ। ये लो पकड़ो। सौम्या। मामा जी आपकी किसी मारवाड़ी से जान पहचान है क्या? मतलब श्रीमद गिरवी रखना गोविंदा गोविंदा। हेलो, कौन हो तुम लोग? हम लोग पिज्जा हट से आए हैं। तुम लोग का ड्रेस देखकर तो लगता नहीं है, दिखने में तो कोई बाइक चोर लग रहे हो। ये आजकल का नया यूनिफॉर्म है, ब्लू कलर का हो गया है ना, है ना मामा? वो सब छोड़ो, सौम्या जी के एक फ्रेंड ने पिज्जा गिफ्ट भेजा है, जरा सौम्या जी को बुला कर लाइए ना। वो नहीं है तो उनकी मम्मी को बुला दो तो ही चलेगा। लेडीज किस लिए, मैं यहाँ मर्द हूँ ना, लाओ दो मुझे। अबे डेढ़ फुट तो किसी हिसाब से मर्द है। चाहे 1.5 फुट का हो या 6 फुट का हो, मर्द मर्द होता है, समझे? ये अकल का अन्ना किसे कह रहा है भांजी? पता नहीं मामा। तुम दोनों तो मंदिर के पुजारी हो ना। ये बात तुझे कैसे पता चल गई? पता चलने की क्या जरूरत है इडियट, माथे पे लगाने वाली विभूति हेलमेट पर लगा कर आए हो। मर गए। देखते ही पहचान गया तुम कौन हो। इस शैतान को सच्चाई पता चल गई भांजे, अब मुंडी ओपन। ये लो, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारी दीदी के लिए। मैंने तेरा इतना साथ दिया इसको खिलाने के लिए। ये तुम्हारी दीदी को याद से दे देना, तुम मत पी जाना। दीदी आ रही हूँ। छोटे दीदी चुप, आ गई, क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। ये किसने दिया तुझे? और कौन, वो मंदिर के पुजारी ने दिया। नमस्ते महाराज। नमस्कार। नमस्कार सेठ जी, सब कुशल है ना? हाँ सब कुशल है। वो काम हो गया ना? हाँ हो गया। तो आज आपके लिए क्या करूँ, अर्चना करूँ या फिर अभिषेक? अरे कुछ नहीं है महाराज। तो फिर इसे आपके सुपुत्र ने मेरे पास गिरवी रखा है। इसको मेरे सुपुत्र? जी हाँ महाराज। शांत हो जाइए, इसे अपने पास रखना पाप है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। शास्त्री। हाँ आया। शिवराम शास्त्री। आया आया बाबूजी, अभी आता हूँ। इस पात्र को तुमने गिरवी रखा था क्या? नीचे क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देख कर जवाब दो। तुमने इस पात्र को गिरवी रखा था या नहीं, जवाब दो। मुंह खोलो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तुमने इस पात्र को गिरवी रखा या नहीं, जवाब दो। तो तुम्हें स्वीकार है? तुमने इस पात्र को गिरवी रखा? अरे अरे भाई साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शर्म नहीं आई? शांत हो जाइए, पात्र को गिरवी रखते हैं? भाई साहब बोल, भाई साहब मेरी बात सुनिए, फिर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाइए जाइए, दूर रखिए, दूर रखिए। भैया जवान बेटे पर इस तरह सबके सामने हाथ उठाना गलत है। ठीक कह रहे हो, मानता हूँ मैं, लेकिन इसने किया क्या है वो नहीं देख रहे? ये क्या है, तुझे जरा भी अंदाजा है? पापों को धोने वाला भगवान का पात्र है ये। इसे जब सर पर रखते हैं
तो साक्षात भगवान ही आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और भक्त स्वयं को धन्य मानते हैं। ऐसे पवित्र पात्र को तूने गिरवी रखा, तूने घोर पाप किया है, उसका प्रायश्चित करना होगा तुझे अभी। बाबूजी चल। तूने ये अपराध क्यों किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो तूने किया है उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अपना हाथ यहाँ पर कर, दीपक के बुझने तक हाथ हटना नहीं चाहिए। तुझे कसम है अगर तूने हाथ हटाया। शिवराम शास्त्री, इसी के लिए तुमने पात्र को गिरवी रखा था ना? क्यों किया तुमने ऐसा? आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नमस्ते शास्त्री जी, आइए आइए बैठिए। क्या लेंगे बोलिए, एक पैक बनवाओ क्या? हम सब तो ऐसी चीजों को छूते भी नहीं। हमें किस लिए बुलाया है आपने, इतना ही बता दीजिए। आप लोगों को एक बढ़िया सा मुहूर्त निकालना। आपको किस तरह का मुहूर्त चाहिए बता दीजिए, एक मिनट में पलक झपकते ही निकाल देंगे। क्यों भैया? रामेश्वर चौधरी ने मट्टू चौधरी को मार डाला और भैरव चौधरी ने कल्लू चौधरी को मार डाला, ऐसे में नरसिंह चौधरी शांत रहेगा क्या? ये नरसिंह चौधरी कौन है जगमान? नरसिंह चौधरी वीर प्रताप चौधरी का रिश्तेदार है। इसका मतलब अगर इसको इसने मार दिया तो ये बोतल बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा भैया। दुश्मनी निभाते हुए नरसिंह चौधरी ने कृष्णा चौधरी को मारा, मतलब ये बोतल भी वेस्ट। बिल्कुल सही। उसके बाद वीर प्रताप चौधरी चुप क्यों बैठेगा आखिर बताओ? अब ये वीर प्रताप चौधरी कौन आ गया? वीर प्रताप चौधरी नरसिंह चौधरी का बड़ा भाई है। इसका मतलब ये बोतल भी टूट जाएगी। समझो टूट गई। इसका मतलब ये बोतल भी, इसे भी हटाओ। अब मुझे यहाँ पे तुम लोगों की मदद चाहिए। इसका मतलब उसको मारने के बाद उसकी 13वीं कराओगे क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। नरसिंह चौधरी और वीर प्रताप चौधरी को मारने के लिए कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दो, बस इतना ही बात। अब लोग तो शादी मंगनी ऐसे शुभ कामों के लिए ही मुहूर्त निकाल रहे हैं। अभी तक किसी का खून करने का मुहूर्त नहीं निकाला हमने। हे शिव शंकर। देखो शास्त्री, अगर तुम लोगों ने इन दोनों को मारने का मुहूर्त नहीं निकाला तो नरसिंह चौधरी और वीर प्रताप चौधरी तुम दोनों को ही मान कर इस दुनिया से उठा दूंगा। कई लोगों का खून किया है इन लोगों ने, हम दोनों का भी खून कर सकते हैं। मेष और मिथुन जब एक ग्रह में प्रवेश करेंगे वो भी बहुत ही अल्प समय हेतु, वही मुहूर्त सबसे उत्तम है। अर्थात जजमान, रविवार को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच अत्यंत उत्तम मुहूर्त है। शास्त्री जी, शास्त्री जी, जरा रुकिए, रुकिए। क्या है महाशय, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? वो क्या है, मैं आपके ही घर की तरफ आ रहा था। हमारे घर की तरफ? कोई विशेष बात है क्या? हमारे लड़के का अपनी बेटी के साथ मुहूर्त फिट करने के लिए। देखा छोटे, कितनी जल्दी है इन्हें। इनकी जल्दबाजी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों आपस में प्यार कर बैठे हैं। ये सब पुरानी बातें हैं। तो फिर नई बात क्या है वो? अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये दोनों मिलकर अपनी शादी का मुहूर्त खुद ही फिक्स कर लेंगे। अरे बाप रे बाबू जी। सौम्या, तुम मेरे साथ बैठी हो तो मुझे गाड़ी भी हवाई जहाज लग रही है। शिपू, हम लोग हवा में नहीं उड़ रहे, ट्रक के ऊपर। कौन है ये कथा? लड़की पीछे बैठी है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा ट्रक पर चढ़ा दिया। छोड़ ना छोटे, कौन है चलकर देख लेते हैं। अरे बेटे, क्या जरूरत है इतनी जोर से बाइक चलाने की? समझ में नहीं आया क्या? नहीं, ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, घर वाले इसके खिलाफ होंगे, इसीलिए इन्होंने फैसला किया होगा कि हम दोनों यहाँ से गिरकर जान दे देंगे। क्या जमाना? सुनो डैडी, मेरी शादी जल्दी नहीं की तो मैं भी इसी तरह जान दे दूंगी। सुनो बच्चों, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। अच्छे घर के लगते हो,
अब जरा उतर कर यहाँ आ जाओ। अरे बाप रे, आप जो कहेंगे वो सुनने के लिए मैं आपका सुपुत्र हूँ क्या? पूजा का समय हो गया है, आप लोग जाइए मंदिर। हम लोग पुजारी हैं, इसे कैसे पता चला? मुझे देखना होगा। देखो बेटा, तुम्हारे घर के बड़े लोगों से मैं बात कर लूंगा, लेकिन आत्महत्या मत करो। देखो, प्यार के लिए मृत्यु है ही नहीं, प्यार की हमेशा जीत होती है। शिबू सुना, तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? वो कह रहे हैं प्यार के लिए मृत्यु है ही नहीं। दिस इज द बेस्ट टाइम, तुम्हारे पिताजी को सब बता देंगे। ये प्यार रीत रिवाज घर वालों के लिए नहीं है, बाहर वालों के लिए है। मुझे कोई और समझकर मेरे बाबूजी इतना भाषण दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ हूँ ये उन्हें पता चलेगा ना, तब तो भगवान जाने। तू है? अच्छा, देखो बच्चों, अब अगर तुम दोनों चुपचाप नीचे नहीं आए तो मैं फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को बुला लूंगा। बिल्कुल सही, इस तरह की बेकार बातें मत करो। तो फिर ऊपर जो लड़का है कोई और नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है। मेरा बेटा? चलो दिखाता हूँ। भगवान, उधर देखो। अरे ये क्या कर रहा है तू? बीच सड़क पर एक लड़की के साथ ट्रक के ऊपर बाइक पर बैठा है तू? चल जल्दी नीचे आ। मैं नहीं आऊंगा, आप मारेंगे। मैं तुझे मारूंगा नहीं बेटा, मारूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। जल्दी आ दुष्ट नालायक, जल्दी आ। देखिए महाशय, आप जरा चुप रहिए, ये लोग आपका कहना नहीं मानेंगे। बिटिया, तू जैकी चैन की बहन है, अपनी ताकत से जरा इन्हें नीचे उतारो। राम 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 राम। अरे रो क्यों रही हो बेटा? यही दामाद है, रोना क्यों बंद कर दिया तूने? सुनो डैडी, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं रो रही हूँ, मुझे कुछ रोना नहीं आ रहा। अरे बिटिया, अगर तू नहीं रोएगी तो जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा, इसीलिए रो। बिटिया, कन्या कितनी देर से रो रही है, तेरा पत्थर दिल नहीं पसीजता? आप मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, इस लड़की से प्यार करने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। बंद करो अपनी बकवास, अगर तुम भी मुझसे कहोगे तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्यों बेटी, तुम किसी और से प्यार करती हो क्या? क्यों रे, इस लड़की को तू चाहता है क्या? लड़की है तो मैं उसे चाहूंगा ही ना। मोटा छुपा रुस्तम, वो ठीक है। अरे कोई भी चलेगा, ले देकर मेरी बेटी का मामला तो क्लियर हुआ। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर जो लड़की बैठी थी वो कौन थी? ए, देख बेटा, तू मेरी बात मान, ये प्यार व्याह का चक्कर तेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसी बात नहीं है माँ, वो लड़की मेरी सासू है, वो लड़की मेरी जान है, वो लड़की ही मेरा सब कुछ है। वो लड़की मेरे लिए बीपी है, वो लड़की मेरे लिए शुगर है, वो लड़की ही मेरे लिए हार्ट अटैक है। सुन लो, मुझे मंजूर नहीं। मिस्टर मंजुनाथ शास्त्री जी, 1977 8 मार्च, हमारे गांव में ब्रह्म उत्सव चल रहा था, तब आपने मेरे दिल को नहीं चुराया था क्या? ठीक उसी तरह मेरे बच्चे के दिल को भी किसी ने उसी तरह चुराया है। इस उम्र में दिल की खींचतानी करना कॉमन है, यू नो। हाँ, पार्वती जी ने जैसे शंकर जी का दिल जीत लिया था। हाँ जी, जैसे कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से ब्याह रचाया था ना। इतना ही क्यों जी, मैंने इनसे शादी करके एक चांद सा बेटा नहीं पैदा किया है क्या? राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से विवाह नहीं किया था क्या? अभिषेक ने ऐश्वर्या से विवाह नहीं किया है क्या? मान जाइए ना शास्त्री जी। ठीक है मान जाऊंगा, पर वो लड़की कौन है, उसके माता पिता कौन है, उसकी जाति क्या है, उसके आचरण व्यवहार कैसे हैं, ये सब मुझे पता चलना चाहिए ना। आप हाँ तो कर दीजिए बाबूजी, फिर उस लड़की की ही क्या, पूरे खानदान की कुंडली लेकर आ जाऊंगा मैं। मेरे बाबूजी तो मान गए। थैंक गॉड, तुम्हारे पिताजी के जैसे अगर मेरे पिताजी भी मान गए तो लाइन क्लियर हो जाएगी। सौम्या, तुम कौन से कास्ट की हो? क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही जानना था। हम लोग चौधरी हैं। मेरा पूरा नाम है सौम्या चौधरी। क्या कहा, चौधरी है? ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, प्रथम विघ्नम। अच्छा बताओ, तुम लोग नॉनवेज खाते हो क्या? बिल्कुल, मुझे मीट पसंद है, एग पसंद है, चिकन लॉलीपॉप पसंद है, और फिश फिंगर भी। स्पेशली कहूँ तो मुझे मटन बिरयानी बहुत पसंद है। क्या, मटन बिरयानी खाती है? खत्म, ये शादी तो हो ही नहीं सकती। इसका बाप तुझे लॉलीपॉप बनाकर हड्डी समेत चबा जाएगा, तेरा पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे पिताजी किस गांव के रहने वाले हैं? चित्रदुर्ग के पास रामदुर्ग एक गांव है, वहाँ रहते हैं। और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वीर प्रताप चौधरी। मेरी बेटी के बारे में बोलिए ना। हाँ। मैं बहुत देर से आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो बोलो ना। आपके बेटे की शादी और इनकी बेटी की शादी एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में हो, इनकी ऐसी इच्छा है। भाई, वो यहाँ से बच कर नहीं जा सकता, जहाँ भी देखे काट डालो उसे। ठीक है भाई। सुन, भाई ने कहा है
एक हफ्ते में 3 लाख रुपए भिजवाने हैं और वो रुपए हमें वसूलने हैं, वरना टेंशन बढ़ जाएगी। जाओ जाकर वसूली का काम करो। भाई, ए, वो देखो, ए, उधर देख, ए। चलो भागो, चलो चलो भागो। ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? आखिर हो क्या गया? अरे क्या हुआ बहन जी, क्यों भाग रहे हैं सब लोग? कोई मर्डर होने वाला है। मर्डर होने वाला है? अरे बाप रे, चलो भागो। इनके पीछे से हट जा, वरना तेरे सर के साथ इनका भी सर जमीन पर लुढ़का दूंगा। अरे चौधरी, तो इनका सहारा लेकर तुझे क्या लगता है कि बच जाएगा? अरे हम लोग वो नहीं है चौधरी जी, हम लोग तो वो हैं जो आपके घर पर आकर मुहूर्त निकाले थे। आप वही हैं, हे भगवान। हाय, तुम लोगों ने इसी का मुहूर्त निकाला था। मुहूर्त टाइम बिल्कुल करेक्ट है। मैं बोलता हूँ हट जाओ, हट जाओ सामने से। तुम अपने मुहूर्त में हमारा मुहूर्त क्यों खराब कर रहे हो? हमको छोड़ दो, हमको भाई छोड़ूंगा। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसे नहीं हटेगा, तू इनको भी मरवाएगा क्या? तुम्हारे लफड़े में हमें क्यों मार रहे हो? छोड़ूंगा। अरे बाप रे, चलो भागो शास्त्री, चलो भागो यहाँ से, जल्दी करो। हे राम हे राम। अरे बाप रे, बच गया। भैया कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। रुको, फोन करता हूँ। हाँ जल्दी करो। ओम नमः शिवाय, कहाँ पर हो छोटे? हम लोग फूल की दुकान में शांति से छुपे हैं। मैं तो यहाँ मांस की दुकान में हूँ। मांस की दुकान में है? बाप रे, दुर्गा मैया। मेरे भाई छोटे, तुम वहाँ फूलों की दुकान में खुशबू ले रहे हो और यहाँ मैं मांस की दुकान में गंदी बदबू में सांस ले रहा हूँ। आप वहाँ से हिलना मत, भले ही सुनामी आ जाए, जान को खतरा है। यहाँ की हालत बहुत ही गंभीर है। अगर वहाँ से हिलोगे तो बकरे की तरह आप भी कट जाओगे। तेरी बात सुन, मुझे यहाँ से निकल जाने दे। तेरी लाश यहाँ बिछाऊंगा और तेरे गांव जाकर तेरे भाई की लाश बिछाऊंगा। छोड़ दीजिए। शास्त्री, मेरी मेरी तलवार उठा के दे। हे भगवान, मैं तो शास्त्री हूँ, भगवान का भक्त हूँ, तलवार छूना मेरे लिए पाप है। भैया तलवार? अरे बाप रे, तुम्हारे हाथ में तलवार कहाँ से आई? अरे तलवार मेरी नहीं, छोटे उनकी है। शास्त्री, देता है कि नहीं? तलवार उसी की है और वो मुझसे मांग रहा है। भैया अगर उसकी तलवार है तो उसे देने में तकलीफ क्या है, दे दो। वो तलवार मांग रहा है किसी की हत्या करने के लिए। शास्त्री, मेरी तलवार जल्दी उठा के दे। ठीक है, देता हूँ। जल्दी दे, जल्दी काट डालूंगा। मेरा भाई वीर प्रताप चौधरी इस गांव का शेर है। उसके लफड़े में कोई आया, उसके पेट की अतड़ियां बाहर आ जाएंगी और उसके प्राण यमराज के हाथ में। कितने भारी हैं, सांस फूल रही है। उससे तो चला नहीं जा रहा है। रखो। भाई साहब, what problem? What problem my husband? क्या हुआ ये? सब्जी मार्केट में मर्डर होते देखकर ये भी चल बसे। अरे 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 अरे, नहीं नहीं नहीं। अरे अरे अरे, इस तरह से मत मारिए बहन जी, ये दोबारा मर जाएंगे। अरे इनकी सांस चल रही है, जल्दी से जाके पानी ले आइए, जाइए। ओके ओके ओके, लाओ लाओ, ये लीजिए। डालो डालो, उठिए ना जी, उठिए ना जी। अरे अरे अरे, पानी का इस तरह से छींटा मारने से काम नहीं चलेगा बहन जी, इधर लाइए। मार डाला, मार डाला, घोर पाप कर दिया, जान ले ली उसकी। शास्त्री जी, हम लोग घर आ गए हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ देखा है सब भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाऊं, कोई भूलने वाली बात है क्या? किस तरह उसने मारा, किस तरह काट डाला, कैसे भूल जाऊं मैं? कुछ भी हो, आप महान है भैया। ऐसे छोटे क्योंकि
आज तक हम पुरोहित लोग शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकालते थे, आज के बाद मर्डर का मुहूर्त निकालते हैं, ये सबको पता चल जाएगा। बस अपना मुंह बंद कर। क्या बात है बाबूजी, आप इतने घबराए हुए क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वो उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, पता चला क्या? वो लड़की ब्राह्मण परिवार से ही है ना? वो लड़की तो सोना है बाबूजी। नहीं नहीं, हीरा हीरा। हाँ। मैंने पूछा वो चांदी है, हीरा है, सोना है, उसका नाम क्या है? सौम्या। सौम्या, नाम तो बहुत ही अच्छा है। यादा नाम है, पूरा नाम दुधारी तलवार है। पूरा नाम मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताया तो घर से निकाल दूंगा। सौम्या चौधरी। क्या कहा? सौम्या चौधरी। चौधरी है। और उसके बाप का नाम? वीर प्रताप चौधरी। वीर प्रताप। बाबूजी। हट जा रास्ते से। ये क्या, इन्हें शौक दो कि क्या? कांटे से कांटा निकालना पुरानी कहावत है, शौक को शौक से हटाना नई कहावत है। देखते जाओ। अरे बाबूजी, वीर प्रताप चौधरी। हे भगवान, वो बहुत बड़ा राक्षस है। उस परिवार के बारे में सोचना मतलब अपना सर्वनाश करवाना है। उस घर में अगर हम लड़की मांगने गए तो हम लोगों को इकट्ठा कर एक साथ मौत की नींद सुला देगा। बेटा, इस विवाह के लिए मैं तैयार नहीं। लेकिन मैं तैयार हूँ बाबूजी। शिवू, शिवू, शिवू। आप चाहे एक बार चिल्लाइए या फिर 10 बार चिल्ला चिल्ला कर घर सर पे उठाइए, लेकिन मैं सौम्या को नहीं भुला सकता। अच्छा बताइए, आपने जो वेद और पुराण पढ़े हैं उसे आप भुला सकते हैं क्या? तुम्हारे पिताजी ने जितने वेद पुराण पढ़े थे सब मार्केट के हादसे में भूल गए। वो गुंडे जब वीर प्रताप का नाम लिए तो ये सब कुछ भूल गए। तुम्हारे पिता जब वो सब कुछ भूल सकते हैं तो तुम क्या सौम्या को नहीं भूल सकते? मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ बाबूजी, लेकिन मैं सौम्या को नहीं भुला सकता। तुमने सिर्फ वीर प्रताप चौधरी की लड़की को देखा, चौधरी के छोटे भाई को नहीं देखा। बहुत बड़ा राक्षस है वो। जब छोटा भाई ही राक्षस है तो बड़े भाई के बारे में सोचो। चौधरी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे घर का नमक खाकर नरसिंह चौधरी का सपोर्ट कर रहा है तेरी तुम ला नीलामरी। मुझे छोड़ दीजिए चौधरी जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। देखो बेटी सौम्या, तुम पढ़ी लिखी हो, कास्ट कैश देखे बगैर तुमने शिवराम शास्त्री से प्यार किया है, मानना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी तरह ही तुम्हारे पिताजी पॉजिटिव नहीं सोचने वाले। वो किसी बहुत बड़े पैसे वाले चौधरी के साथ तुम्हारी शादी करके तुम्हें उसके साथ तो भेज देंगे, लेकिन ये शिवराम शास्त्री के साथ तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे अंकल? आप कहेंगे तो भी नहीं करवाएंगे। बंजर भूमि में तो सिंचाई करके फसल उगाई जा सकती है, लेकिन तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हारे पिताजी को समझाना नामुमकिन है बेटी। अंकल, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। उस शास्त्री को तुम अपने दिल से निकाल कर फेंक दो। तुम्हारे पिताजी जिससे तुम्हारी शादी करवाएंगे, एटलीस्ट उसके साथ जीने का सपना देखो। देखो बेटी, तुम अपने प्यार को लेकर बहुत दूर तक सोच रही हो, लेकिन उस शास्त्री का क्या हश्र होगा, थोड़ा उसके बारे में सोचो। ससुर जी। अरे ये तो चिल्ला चिल्ला कर मरा जा रहा है। आ गया दामाद जी। आया बोलिए। मैंने आपसे शास्त्री जी को बुलाने के लिए कहा था। सुबह ही भेजा था बुलाने के लिए, क्या करूं अभी तक आया नहीं। शास्त्री। आया यजमान। नमस्ते जी। कहां थे अब तक? ये देर से आया है, इसे मार देना चाहिए। ये लो तलवार। मेरी बात सुनिए चौधरी जी, इसे उधर ही रहने दीजिए। जब आप उसका हाथ काट रहे थे तभी मैं आ गया था मालिक, मैंने सोचा आपका गुस्सा शांत होता है तब तक मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था। हाँ लाया हूँ ना मालिक। अरे पूरा डिस्ट्रिक्ट छान के आया हूँ मालिक, अच्छे से 2-3 रिश्ते लाया हूँ। बहुत ही अच्छा लड़का है, 600 एकड़ में सिर्फ नारियल के बगीचे हैं मालिक। देखिए ससुर जी, इस लड़के को देखिए, हांगकांग पांगकांग सिंगापुर में घूमता रहता है, पीछे एड्रेस भी है। ये नारियल के चेहरे वाला तो अच्छा नहीं, मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही लड़के अच्छे नहीं लग रहे। ए शास्त्री, ये रिसोर्ट और ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। जो लड़का मेरा दामाद बनेगा वो इसी राज्य में रहने वाला होना चाहिए।
वह यहीं की हवा में सांस लेने वाला होना चाहिए। अगर एक बार वो तलवार उठा ले तो सैकड़ों सर जमीन पर कट के गिर जाने चाहिए। ऐसे लड़के को ढूंढ कर लाओ शास्त्री। अगर ऐसा लड़का आपको चाहिए मालिक तो इधर नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए सेंट्रल जेल में। शास्त्री शास्त्री, तूने दूसरों का सिर कटते हुए देखा है ना? शनिवार को एक लाश नहीं जाएगी, उसके साथ एक और लाश जाएगी। ज्यादा बड़ी बात करेगा ना तो तेरा सिर काट कर दूसरी लाश के साथ जोड़ दूंगा। अरे ऐसी बात मत करो यजमान, मेरा मुंह गंदा है, अंदर से मैं बहुत अच्छा हूँ। मालिक जिस तरीके का लड़का चाहते हैं वैसा ही लड़का मैं ढूंढ के लाऊंगा, पूरे राज्य में घूमूंगा और आपकी पसंद का लड़का लेकर आऊंगा। मालिक नहीं ला पाए तो पता है ना क्या होगा। ससुर जी काट के रख देना। शास्त्री क्या कूद रहा है बे मिस्त्री? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कुल देवी की तरह चलकर आ रही है। नमस्ते पिताजी। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो आप सब लोग? इस घर में होने वाली बहू आई है, सब लोग उठकर उसकी आरती उतारो और उसे घर के अंदर लेके आओ। बकवास बंद कर, ज्यादा बकबक किया ना तो धूप की तरह जला दूंगा। मेरी पूजा को भंग करने आई हो? नहीं, आप लोगों को अपना बनाने के लिए आई हूँ। देखो बेटी, ऐसा तो इस जन्म में संभव नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जेठ जी जरा एक बार फिर से सोच लीजिए, हमारा सुबू इस लड़की से बहुत प्यार करता है। तू अपना मुंह बंद कर, प्यार करने से क्या होता है, इसकी वजह से क्या मुसीबत आएगी तुझे पता है क्या? ससुर जी आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको वेद पुराण और सारे ग्रंथों का बहुत अच्छा ज्ञान है। आपके घर की बहू बनने के लिए मुझे अपने आप को पूरी तरह से बदलना होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बिल्कुल जीजाजी, ये अब हाल ही में एक दो व्रत और पूजा अर्चना कर चुकी है अपने भांजे के लिए। व्रत और पूजा, इसका मतलब पता है इसे? ये सब भार में गया, ये हमारे गोत्र की है क्या? आप इस तरह से नाराज मत होइए, मैं ब्राह्मण गोत्र की नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे अपनाना नहीं चाहते है ना। मैं आपके इस घर की बहू बनने के लिए नॉनवेज भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों की तरह साड़ी पहनना भी सीख गई हूँ, सिर्फ उतना ही नहीं सुप्रभात अभिषेक ललित शास्त्र नामा भी सीख गई हूँ। बाबूजी ये जब ललित शास्त्र नामा सुनाती है तो ऐसा लगता है साक्षात महालक्ष्मी ही स्वर्ग से आकर सुना रही है। सबकी इज्जत करती हूँ, किसी को उल्टा जवाब नहीं देती, और जब पतिदेव बाहर जाते हैं तो उन्हें हंसकर विदाई देना भी सीख गई हूँ। सुबह सूर्योदय के पहले उठती हूँ, तुलसी पूजा करती हूँ, भगवा कपड़े पहनती हूँ और साफ सुथरी रहती हूँ। अरे बिल्कुल सही, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए। देखो बेटी, सिर्फ साड़ी पहनने से बहू नहीं बन जाती, मंदिर होता है भक्ति के लिए, बहू होती है उस भक्ति की शक्ति के लिए। बचपन में कुश्ती लड़ने के लिए साड़ी इसी तरह से पहनते थे। हमारे आचार विचार कैसे हैं ये हम जानते हैं, तुम्हें क्या पता इस बारे में? सीख लूंगी ससुर जी, आचार विचार का आप जिस तरह से पालन करते हैं उसी तरह मैं भी करूंगी। हमारी धार्मिक परंपराएं इतनी आसान नहीं है, ये पहना हुआ जनेऊ हमारी परंपराओं का गौरव है। चाहे तुम एक दिन में कुछ भी सीख लो लेकिन हम तुम्हें अपने गोत्र में शामिल नहीं कर सकते। ससुर जी मेरे पिताजी मेरे लिए दूसरी जगह रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वो चाहे मेरे लिए जितने भी रिश्ते ढूंढ ले फिर भी मैं ब्याह करूंगी तो आपके बेटे से। अगर आप लोगों ने मुझे नहीं स्वीकार किया तो फिर मैं इस संसार को त्याग दूंगी। सौम्या भांजी, मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ। किधर जा रहे हो? सब्जी मार्केट में? सूटकेस लेकर कोई सब्जी बाजार जाता है क्या? कहाँ जा रहे हो? मैं रामदुर्ग जा रहा हूँ। वो क्यों? सौम्या से शादी करके यहाँ लाने के लिए। हाँ? अरे ओ शास्त्री, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, उन राक्षसों के बीच जाकर उस लड़की को ब्याह लेना आसान है क्या? हैं? वो कोई मंदिर का प्रसाद है जो आसानी से प्राप्त कर लोगे? हैं? अरे तुम अगर वहाँ अकेले गए तो तुम्हारी हत्या कर डालेंगे वो लोग। बाबूजी अगर मैं इस घर में रहा तो मेरी जान तड़प तड़प कर अपने आप चली जाएगी, यहाँ तड़प कर मरने से बेहतर है कि मैं वहाँ जाकर मर जाऊँ। सुन भांजे। अरे अरे बेटा सुन। आओ बेटी आओ बेटी आओ बेटी आओ।
बताओ बेटी, सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया था पापा। सुनो बेटी, हमारे शास्त्री जी गांव गांव भटक कर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ निकाले हैं। कल लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी क्या राय है बेटी? जैसी आपकी मर्जी। नमस्कार चौधरी जी। अरे रे रे, शास्त्री जी आइए, आप एकदम सही समय पर आए हैं। वैसे कल लड़के वाले कितने बजे यहाँ पहुँच रहे हैं? वो लोग तो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके हैं, थोड़ी ही देर में वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे। चलो बेटी। टिकट टिकट। हे मेरे ईश्वर, अब मेरी रक्षा आपके हाथ। कंडक्टर साहब, एक रामदुर्ग का टिकट दीजिए। एक नहीं, 8 टिकट दे दो। 8 टिकट? मैं हूँ ना तेरे साथ। अरे आप लोग भी मेरे साथ आ रहे हो? जी हाँ, मेरे लवर जहाँ होंगे मैं वहीं होंगी ना। तुम्हारे प्यार के लिए मैं भी हेल्प करूंगी। ए ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। मैसूर के मेले की गुड़िया है क्या? की सपना है? बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी है। पूरब से देखूं या पश्चिम से, तो कितनी खूबसूरत लग रही है। गजरा बनाने के हाथों से बॉम्ब क्यों बना रही हो सुंदरी? चलो ना मेरे साथ घर बसा लो। कौन घर बसा रहा है? और किसके साथ घर बसा रहा है? अरे मैं इसके साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं आकर घर बसाने की बात कर रहा हूँ। मैं सब समझता हूँ। दामाद जी, दामाद जी कहाँ है आप? क्या है ससुर जी? ए शास्त्री, ये सब क्या चल रहा है? मजा कर रहा है, मजे ले रहा है। अच्छे, लड़के वाले अभी तक क्यों नहीं आए? अरे लड़के वाले कितनी देर से निकल चुके हैं, तो पहुँचते ही होंगे। कम से कम थोड़ा सब्र कीजिए। वो लोग तो ऐसे वैसे नहीं आएंगे, वो आएंगे तो तूफान लेके आएंगे। सौम्या, तो सुबह से शादी करने का जो सपना हर पल देखती रहती है, भगवान के लिए उसे दिल से निकाल दो बेटी। तो अगर एक ही जिद पे अड़ी रही कि मैं उसी से शादी करूंगी, तो समझ ले उसकी मौत निश्चित है। लक्ष्मी, अरे 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 अरे, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई। लड़के वाले बस पहुंच ही रहे होंगे। जरा 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार करती हूं। अरे जल्दी से तैयार करो। ए शास्त्री, कोई काम सही नहीं हो रहा। ए शास्त्री जी, मालिक। टाटा सुमो तो यहाँ पर आ गई। लड़के के घर वाले कोई उतरे नहीं, आरती ले जाकर उतारना पड़ेगा क्या? जाओ उन्हें लेकर आओ। बाप रे, ये लोग शास्त्री जी किसको लेकर आ गए? शैतान नहीं है, इंसान है। ए शास्त्री, दरवाजा है फिर भी ये शीशे तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप तो सिर्फ काटते और कूटते हैं ना, ये तो AK-47 और बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग हमसे लड़ने आए हैं क्या? ये तो सिर्फ एक सैंपल है, एक्शन करके एंट्री देना तो इनका स्टाइल है। मेरा मतलब है रिश्ता एकदम टक्कर का है ना। ए शास्त्री, क्या है यहाँ सिर्फ मर्द ही नजर आ रहे हैं? औरतें नहीं आई हैं क्या? अरे आगे देखते जाओ। अरे बाप रे, शास्त्री जी लगता है ये कराटे भी जानती हैं। ये लोग कोई मामूली नहीं है, सब के सब आपके गोले हैं। एक अंदर की बात बताऊं, मर्डर के सारे प्लान तो ये औरतें ही करती है। आइए आइए संधि जी, ये है चौधरी साहब, आपके संधि। नमस्कार कीजिए। नमस्कार। और ये है मदनलाल चौधरी, और ये है इनकी धर्मपत्नी। नमस्कार। नमस्ते। लड़के की उम्र तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं लग रही? शादी करने वाला लड़का ये नहीं है, वो बॉम्ब की आवाज़ सुनकर ही बाहर निकलता है। तो बॉम्ब की आवाज़ सुनेगा तभी आएगा क्या? तो अपना रौब कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है। 2-4 बॉम्ब के धमाके दिखाओ इसे। अरे वो बॉम्ब है। शास्त्री जी,
इस लड़के के छूते ही बॉम्ब घुस कैसे हो गया? मेरा लड़का जहाँ भी पैर रखता है सब जलकर राख हो जाता है। राख चलाने का हम सब का एक अलग अलग स्टाइल है। मेरा भतीजा खाली घुर्राता है तो ब्लास्ट हो जाता है, अगर वो घूर कर देख ले तो हर तरफ आग लग जाती है। मेरे बड़े भाई बस मूछ पर ताव देते हैं और बम ब्लास्ट हो जाता है। अगर ये बात हमारे लड़के को पता चल गई ना तो तुम्हारा सिर फुटबॉल की तरह हवा में उड़ा देगा। मेरे बेटे की स्पेशलिटी क्या है पता है? मेरा बेटा अपना पहला राइट कदम रखते ही सोया हुआ बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, क्या हैंडसम है। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। चलो पैर पर पैर रखो। ओके। तुम अपना पैर सर पर रख लो। हाँ। पैर के ऊपर पैर रखने को बोला तो आप मेरे ऊपर पैर रख रहे हो। क्या बोला? इतना भी नहीं समझते। ए, तुम अपने पैर के ऊपर पैर रखो। तुम्हारे पैर नहीं है क्या? अरे है ना, क्या मगजमारी पाल ली, रखता हूँ ना। सुनो, जो काम होने वाला है उसको पनौती मत लगाओ, काम होने दो, ठीक है? वैसे समधी साहब, आप अपने गांव में करते क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम गांव में पूजा, होम, साथ शादी और पूजा संस्कार के सारे काम करते हैं। आप ध्यान रखिए ना चौधरी जी, आप इनकी बातों को गलत मत समझिए। इनके गांव में प्रजा शांत और सुखी रह पाए इसीलिए पूजा पाठ का खर्चा यही तो करते हैं। हमारे गांव में अच्छा हो या बुरा हो सब हम लोग ही करते हैं। और जब कार्तिक का महीना आता है तो पता है हम क्या करते हैं? क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। शादी के मौसम में ही नहीं, श्रावण के महीने में भी ऐसा ही। आप तो पूछा कि आप क्या कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? आप समझिए ना इनका मतलब। वैसे दामाद जी कहाँ है? वो ऐसे वैसे थोड़ी आता है, वो सोलो एंट्री करता है और देता है सुपर एंट्री। ये लड़का कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ठीक मेरी तरह। मैं भी जब लड़की देखने गया था तो कुछ ऐसा ही किया था। तो आपने भी अपने जमाने में मेरी स्टाइल से लड़की पटाई थी क्या? ऐसा नहीं है बेटा, सिर्फ मेरी आंखों के वार से ही तुम्हारी सासुमा घायल हो गई थी। सुन तो, मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, जरा देख तो ले, देखना। क्या हुआ? सोमिया, क्या हुआ? क्या क्या हुआ बेटी? हमारी बेटी को तुम्हारा लड़का पसंद नहीं आया इसीलिए बेहोश हो गई है। अब ये शादी कैंसल, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे बहुत बोल रहे हो, चुप रहो। बेटी सोमिया, 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 बेटी सोमिया, क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ बेटी, लड़का पसंद नहीं आया ना, इसे देखकर घबरा गई? कैसा लड़का चाहिए बताओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं इन्हें पहले से ही जानती हूँ। क्या? तुम पहले से ही इसे जानती हो? कैसे बेटी, कहाँ मिली थी? मैं उस दिन जब बैंगलोर गई थी तब शॉपिंग के बाद रोड पर पैदल जा रही थी, तब वहाँ उसका स्टाइल। उस सीन को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ जी, ये सीन हमने ही उसे दिए थे। क्या हुआ ना कि हमारे गांव में राघवेंद्र जी, शिवराज कुमार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब लोग आकर हमसे पूछे तो हम ना कैसे कह सकते थे, सलाह तो देनी पड़ेगी ना। अच्छा तो ये सीन आप लोगों का है क्या? हमारा नहीं है, हमारे लड़के का है। आपका लड़का हम सबको पसंद आया, हमारी लड़की को भी पसंद आया। अब शुभ कार्य के लिए हम कल आपके गाँव आएंगे और सारी बातें तय कर लेंगे, ठीक है ना? आओ आओ आओ, कल सुबह चौधरी जी तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम सबको ये दिखाना है कि तुम सब उस चौधरी से भी बड़े गुंडे हो, कान खोल कर सुन लो। 50% ये बात पता चली गई। हाँ, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें 100% दिखाना होगा। अरे रुक जाओ, क्लासिकल डांस चल रहा है क्या? तक दिन लगा रखा है। अरे इसी तरह से डांस करते रहे ना तो वो चौधरी बॉम्ब डाल के तुम सबको उड़ा देगा। अरे बाप रे, राम 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 राम। अच्छा, मैं सिखाता हूँ कैसे करना है।
अभी अपना बायां पैर आगे, क्या उसके बाद दायां पैर उठा के ऐसे मारो, उठाकर। अच्छा रेडी रेडी। अरे ऐसे, अरे क्या हो गया मामा जी, क्या हुआ? हालत खराब हो गई। अरे संभाल के मारा करो, पहले दायां पैर उसके बाद बायां पैर। देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करो। हाँ ठीक है ठीक है। ए चलो तुम दोनों चल कर दिखाओ। अरे रे रे रे, ड्रम मत बजाओ यार, ऐसे कोई चलता है क्या? चलो बैठ जाओ सब। तुम लोग अगर इसी तरह से नखरे करते रहे ना तो चौधरी जी तुम सबको काट पीट कर फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। चलो खड़े हो जाओ। क्या हुआ मामा जी? अब क्या हो गया? क्या खाया था तुमने? मैंने क्या खाया? उस चौधरी के घर में तो ठूस ठूस के खा रहे थे। ए इधर सुनो, तुम लोगों को कुछ इस तरह से चलना है कि एक कदम रखते ही जमीन और आसमान थर 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 कांपने लगे। आई बात समझ में? इतना ही ना, आओ मेरे साथ। देखो चलो चलो। चौधरी के चक्कर में हम गधे घोड़े की चाल चल रहे हैं। आहा सुपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है शास्त्री जी? ये लो, ये असली नहीं है, नकली है। हाँ अब ये देखो, सब लोग इसे ऐसे पीठ के पीछे रखो। आहा सुपर, असली हाथ में आए तो क्या करना है पता है ना? अबे मूर्खों ये खुजाने के लिए नहीं है। ये देखो इसे इस तरह से पकड़ना है और ऐसे चलाना है, देखा ना? वेरी गुड। कल अगर इसी तरह से परफॉर्म करोगे ना तो मैं तुमसे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि चौधरी अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करेगा। हाँ गाड़ी रोको, एक आदमी को कई लोग मार रहे हैं। चलो रे साहब। ससुर जी, देखा ना आपने दामाद जी को, वो सचमुच यहाँ के शेर हैं। चौधरी जी, दामाद जी मल्ल युद्ध, गदा युद्ध और कुश्ती युद्ध में बहुत ही माहिर हैं। जरा देखिए तो, ये युद्ध के सामने वो सारे युद्ध बेकार हैं। ईश्वर, तेरे होते हुए एक लड़की को पाने में इतनी तकलीफ, उस सौम्या को पाने में मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, अब मुझसे नहीं होगा। दामाद जी, मार डालो, हाँ। काट डालो, चलो उठो। तीन छह हो जाए या छह तीन हो जाए, अब यही लड़का मेरे घर का दामाद बनेगा, हमारे दुर्ग का दामाद बनेगा। शाबाश दामाद जी।
वाह 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 वाह, क्या काटते हो आप दामाद जी। मैंने कुल्हाड़ी से काटते हुए देखा है, आरी से काटते हुए देखा है, लेकिन आपके जैसा हाथ पैर में हथियार बांधकर काटते हुए नहीं देखा। दामाद जी जरा अपनी जांग बजा कर दिखाओ। अरे नहीं ससुर जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं दामाद जी, बजाओ। अरे बजाना, हमने प्रैक्टिस तो की थी। अरे जांग बजाने की भी प्रैक्टिस होती है क्या? हर काम की प्रैक्टिस होती नहीं, है नहीं, वो बात क्या है ना कि मेरे भांजे की तरह कोई भी जांग नहीं बजा पाता, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इतनी छोटी बात के लिए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम बड़े लोग हैं ना यहाँ, हम बजाएंगे, ये देखो। अरे आप चौधरी जी को पैर दिखा रहे हैं? पैर नहीं दिखाएंगे तो क्या केले का पौधा दिखाएंगे? अरे वो बात नहीं है, इनकी टांगे तो मुर्गी की टांग जैसी है। सुब्बू जी, जब ससुर जी इतना प्यार से कह रहे हैं तो फिर एक बार बजा ही दो। ठीक है ठीक है, आप कहती हैं तो बजाता हूँ। ये क्या दामाद जी, आपने मेरी जांग क्यों बजाई? बाबूजी आपने तो कहा था कि बजाओ बजाओ, तो इसलिए मैंने बजा दिया। मैंने कहा था कि तुम अपनी जांग बजाओ, मेरी नहीं। नो, जांग बजाना हमारी खानदान की परंपरा में नहीं है। घंटी बजाने का खानदान। अब मैं सब समझ गया, अपनी जांग बजाने वाले वंश के नहीं हो, दूसरों की जांग बजाने वाले वंश के हो, ये बात समझ में आ गई। भैया ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, मैं ज्यादा बोलने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो मैं अबला से काली बनकर हाथ में तलवार लेकर ठना 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 करके नाचती रहूंगी। ज्यादा बोलने वाले के तलवार उठाने के लिए हाथ नहीं रहने चाहिए, कह देती हो। जांग बजाने वाले की टांग काट दूंगी। बातें इनकी स्टाइल और इनकी चाल चलन को देखकर मुझे डाउट हो रहा है, इनके बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। तुम लोग लेडीज हो क्या? क्या कहा, लेडीज है? हस्बैंड है, हस्बैंड। क्या हुआ ससुर जी, तुम भीगी हुई बिल्ली की तरह थर 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 क्यों कांप रहे हो? अरे दामाद जी, कल रात किसी ने मुझे चादर उड़ाकर अच्छी खासी मेरी धुनाई कर दी। कितनी बार कहा कि बाहर अकेले मत जाना, यहाँ हर जगह हमारे दुश्मन फैले हैं। अरे दामाद जी, बाहर कोई दुश्मन नहीं है। कहा? दुश्मन तो इस घर में ही है। दामाद जी लगता है मुझे खुदकुशी करनी पड़ जाएगी, उन लोगों की बातें अभी भी मेरे कान में गूंज रही हैं। समधी जी, पहले इस कुत्ते को यहाँ से बाहर निकालो। अरे 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 सुनो भांजे, कल जिन पर हमने अटैक किया था ना, वो लोग आज हम पर अटैक करने आ रहे हैं। एक्शन! बाबूजी आप तैयार हो जाइए। तैयार? चौधरी जी सारे बम टोकरी में रख दो। ओके ओके। चाचा जी सारे हथियार बांध दो। ठीक है बेटा। अरे अरे अरे, हम लोग अपना झोला पोटला बांध लेते और तैयार हो जाते हैं। पर क्यों दीदी? अरे भागने के। अरे मार जाओ। नो। Why? Never. भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अचार चटनी का मजा क्या है वो मैं बताऊंगा। क्या अचार चटनी का? अचार का मतलब इनकी भाषा में खून की होली खेलना होता है। मैं एक बार तलवार उठा लेता हूँ तो उसे खून चखाए बगैर म्यान में नहीं रखता। मेरे भाई साहब, ये बहुत जज्बाती है, आप ही इसे समझाइए ना। दामाद जी बोलिए। हमेशा जज्बात में आना अच्छी बात नहीं है। आपकी मर्दानगी क्या है ये मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। सब लोग मेरे साथ चलो। हाँ सब चलो। नो, ओवर एक्टिंग मत करो, यहाँ सिर्फ हाँ बोलो। शांति। ठीक है बाबूजी, इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। वीर प्रताप चौधरी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? रोना तुझे चाहिए या मुझे? आपको जीजा जी। चिल्लाना तुझे चाहिए या मुझे? आपको जीजा जी। ए वीर प्रताप चौधरी, कहाँ है तू? वो घर पे है जीजा जी। जीजा जी आपको एक बात पता है, वो अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े भाई के परिवार में करने जा रहा है। वो दोनों मिल गए तो फिर हमारा क्या होगा? मिलना नहीं चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए शादी, नहीं होने दूंगा। क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मतलब? कुछ नहीं। क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ? किसने कहा, तुम तो बहुत अच्छी हो। ठीक है अंदर चलो। क्यों?
उसी के लिए। क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था। बता। नहीं कुछ नहीं, वो मुझसे एक डाउट पूछ रही थी, वो क्लियर करने से पहले ही तुम आ गई। सच में इस दुनिया में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है, सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। एक दो ना, आंखें बंद करो। ये क्या किया, खून निकाल दिया। ये तो सिर्फ सैंपल है। सैंपल है? वहाँ जो हो रहा था मैंने अच्छे से देखा। हा? अब देखो, अब जो दूंगी वो ओरिजिनल है। याहू! बाप रे, बहुत हो गया। मुझे मालूम नहीं था कि WWF वाले ग्रुप में से तुम एक हो। मेरी तौबा, मैं गलत जगह फंस गया। मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। ठीक है, शर्ट संभाल लो। अच्छी तरह बनो, अच्छी तरह बनो। जाओ, जाओ। चलूं क्या? हाँ जा। वीर प्रताप चौधरी अपने समधि के साथ लौट कर आ रहा है, ऐसा मुझे पता चला है। हमें उसे हर हाल में उठाना है। ए, तुम सब रेडी हो ना? रेडी है। ए, गाड़ी में डीजल है कि नहीं? फुल कर दिया है। चलो जीजाजी, चलते हैं। चलो। समधी जी, उधर देखो, 5,000 एकड़ जमीन। और ये इधर देखो, ये है 7,500 एकड़ जमीन। अभी की? जी हाँ जी हाँ, सारी जमीन हमारी है। लगता है आसपास की कोई जमीन बची नहीं है। तुम बहुत लकी हो भांजे, ज्यादा काम मत, मुंह उखड़ जाएगा। उस गाड़ी को बम से उड़ा दो। गाड़ी को बम से उड़ा दूंगा, गाड़ी के चिथड़े उड़ा दूंगा। ए, गाड़ी बच के ना जाने पाए। अरे बाप रे बाप, भागो। अरे ए, गाड़ी इधर नहीं है, उधर नहीं है, इधर इधर फेंको, और फेंको, उड़ा दो उसको। नरसिंह चौधरी हम पर अटैक कर रहा है, गाड़ी को साइड में लो। चौधरी कौन है? अरे वो हमारा दुश्मन है। कोई चौधरी हो तो हमें क्या करना, खबरदार किए बिना हमला किया जाता है क्या? पहले बता देता तो हम भी तैयारी कर लेते। तैयारी करके कोई आता है, शादी है क्या? फाइट है या फाइट? अम्मा जी, अफसोस क्या रहे हो, दो चार बम तुम भी मारो। अरे ये बॉम्ब छोड़ने के लिए मैंने नहीं कहा था, रस्सी बॉम्ब, रस्सी बॉम्ब मारो, जल्दी करो। सुबह सुबह पता नहीं क्या खा कर आया है। बाप रे, अगर रस्सी बॉम्ब से हाथ पैर गया तो भी इंसान जी सकता है, लेकिन इस बॉम्ब के बदबू से तो इंसान मर ही जाएगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको, रोको। दामाद जी, कोयता, तलवार, चाकू, फावड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाल, जो कुछ है सब निकालो। कम से कम 100 सर जमीन पर गिरने चाहिए। चलो हमला करते हैं। ए, चलो चलो मारपीट करते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? उनकी मुंडी से फुटबॉल खेलने। सर, मुंडी से फुटबॉल खेलेंगे क्या? अगर कुश्ती में आपकी मुंडी उड़ गई तो भिंडी की तरह हो जाओगे। आप खड़े खड़े भाषण क्या दे रहे हो? वहाँ दुश्मन उन पर अटैक कर रहे हैं और आप लोग पुजारियों की तरह दक्षिणा मांगने के लिए लाइन में खड़े हो? चलो हम भी चलते हैं। ए, तुम लोगों के अंदर मर्दान की नाम की चीज नहीं है क्या? तुम लोगों के जिस्म में खून नहीं है क्या? तू मेरे अंदर मर्दान की है, देखो मेरी मर्दान की। अरे तुम सब लोग क्या कर रहे हो? लो उठाओ बॉम्ब को और मारो दुश्मनों पर। अरे ये तुम लोग अक्षत डाल रहे हो क्या? ये बॉम्ब है, बॉम्ब। हमारे लिए तो अक्षत। उठाओ बॉम्ब को और फेंको दुश्मनों पर। बॉम्ब किस तरह से चलाया जाता है ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो, अरे सुनो भैया, लगता है हम लोगों का आज आखिरी दिन है। अब हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। अब बहुत हो गया, अब हम यहाँ एक मिनट भी रुके तो हमारा हाथ पैर और मुंह का नक्शा बदलने में कोई देर नहीं लगेगी, समझे ना? चलो भागो यहाँ से। ये लो हथियार, एक एक को काट डालो। ऐसा क्या? हाँ तो फिर लाओ इधर। अरे हम आपके लोग हैं। ओहो, तो तुमको जीना है क्या? तो चलो भागो ऐसे। ए, रुक जाओ। ओए, मर्द हो तो वापस आओ। हम लोग तुम्हारे कहने पर रुकने वाले नहीं है, हम लोग खूनी नहीं है, पुजारी है। पुजारी हो? Come on.
ए राम 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 राम, उसे क्या पाप हो गया? भाई ये किधर खड़ा है? ये तो बेचारा डमी है, मरने वाला पहलवान होना चाहिए। चलिए यहाँ से। हाँ चलो। ए, कौन डमी है रे? मैं इस नारियल से देखो अब तुम्हें कैसे मारता हूँ। नारियल से मारेगा क्या? ये तो बॉम है। बॉम है। अरे नहीं फूटा। अरे ये भी डमी और उसका बम भी डमी। चल मार इसे। ओए नरसिंह। ए कौन है बे? आओ एक एक को काट कर रख दूंगा, कोई मेरे सामने नहीं टिकेगा। ए शास्त्री जी, क्या है? इन सबको किसने मारा है? किसने मारा ये पूछ रहे हो? मैंने। अरे ये क्या किया, ये सब हमारे आदमी थे। अरे रे, मैंने नहीं मारा, इनको तो किसी और ने मारा है। मैं तो बस वीरता दिखाने के लिए अपना नाम ले रहा था। बड़ाई हाँक रहे थे। इसे इधर लाओ। ये लो। अब मेरी बड़ाई क्या है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गोविंद शास्त्री, अरे वहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर आ जाओ। अरे तुम्हारे चक्कर में मैं मौत के मुंह में चला गया और तुम यहाँ ऊपर आकर बैठे हो। उन्होंने हमसे पहले कहा था कि हम यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं। आ जाओ हम यहाँ से बम ब्लास्ट करेंगे। बम कहाँ ब्लास्ट हो गया? अरे मुझे डर लग रहा है, इतने सारे लोगों के बीच में मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा। बाबूजी, मैं यहाँ हूँ, मैं तो कब से आकर यहाँ ऊपर बैठा हूँ। मेरा बेटा वीर है, वीर। हाँ बहुत बड़ा वीर है। ए, उधर क्या कर रहा है यहाँ? हाँ आता हूँ। दामाद जी उधर देखिए, यहाँ सैकड़ों सर जमीन पर लुढ़क रहे हैं और तुम लोग वहाँ आराम से बैठकर भजे ले रहे हो। चलो सब लोग नीचे आ जाओ। हम यहाँ आराम से नहीं बैठे हैं पापा, बल्कि यहाँ से देख रहे हैं कि कितने सारे दुश्मनों का सिर लुढ़काना है। अरे वहाँ बैठकर क्या हिसाब किताब कर रहे हो? यहाँ हमारी जान के लाले हैं। जल्दी नीचे आ जाओ। अरे बचाओ कोई। अरे बाप रे। शाबाश दामाजी, सही समय पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली। जब तुम वहाँ से कूदे तो जानते हो कैसा लगा? जैसे हा हा करते हुए कोई शेर ऊपर से कूद रहा है। मैंने कहा जब मारी, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। ये बताओ तुम खुद ही छलांग लगा कर आए कि किसी के धक्का देने पर कूदे? मतलब भगवान ने मुझसे कहा कि जा बेटे ससुर जी की जान खतरे में, इसलिए मैं आ गया। तुम तो वीरों के वीर हो, बहुत ताकत है इन हाथों में। चलो 10 सर और काट कर गिराने हैं। ससुर जी चलो, चलिए दामाद जी। जाइए जाइए। अबे तुम्हारी तो इतना गुस्सा आ रहा है कि तलवार फेंक कर तुम सबका सिर उड़ा दूं। मुझे धक्का किसने मारा? अरे रे मुझे माफ कर दीजिए, डर की वजह से मुझसे ही धक्का लग गया था, जानबूझ के थोड़ी ना मारा है। आता हूँ। अरे शास्त्री जी, क्या बात है, छोटा गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा? सही कहा, मेरा बेटा किधर है? अरे सुनो, उधर से धमाधम पिटाई की आवाजें आ रही है, लग रहा है कोई किसी की पिटाई कर रहा है। बेटा चलो चल कर देखते हैं। ए उल्लू के पट्टों, उधर नरसिंह चौधरी को किसी ने मार कर डाल दिया है। चलो 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 सब लोग। अरे गणपति तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं बाजी, जब तुम्हारा ये हाल है तो हमारा ना जाने क्या होगा, हमें यहाँ से घर चले जाना चाहिए, नहीं रहना यहाँ। चलो संभाल। अब तेरी बारी है नरसिंह। ये लोग तो फिर आ गए। तुम लोग कौन हो भाई? मैं हूँ नरसिम्हा चौधरी। नमस्ते जी, मेरा नाम है शिवराम चौधरी, वीर प्रताप चौधरी जी की लड़की है ना, उससे मेरा विवाह होने वाला है। शुभ मुहूर्त भी फिक्स हो चुका है, शास्त्री जी ने ही मुहूर्त निकाला है। आप सब लोग मेरी शादी में आइए। हाँ प्लीज। शादी में आओगे तो खाना फ्री। ला मेरी तलवार। तो नहीं है शादी और शमशान के बीच में खड़ा है तू, मैं भी देखता हूँ शादी कैसे करता है। मारो इसे। जाने ना पाए।
दामाद जी, ससुर जी, ये लो पकड़ो। रुक जाओ। कितने मरदान गया तुझमें, चला देखता हूँ। ये सब तो गलत है, सब लोग इस तरह से राउंड अप करके मुझे कंफ्यूज कर रहे हो क्या? अगर तुम असलियत में सच्चे मर्द हो, अगर तुम लोगों में वीरता है, तो चलो एक साइड में आ जाओ, फिर देखते हैं। अच्छा अच्छा, तू मुझे ललकार रहा है और क्या? सब 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 एक साथ लाइन से लग जाओ। लाइन से खड़े हो जाओ। वो किस लिए? मेरे पीछे भागने के लिए। पकड़ो इन्हें, पकड़ो। रुको, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस नारियल से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। अबे वो नारियल नहीं है, बम है, छोड़ दे उसे। अरे अरे, ये बम नहीं है, नारियल का खोपरा है। अरे ये खोपरा नहीं, बम है। अरे मुझे क्यों दे दिया? अरे अरे, जो करना है करो, यहाँ मत फेंकना। बम है, बम है, फेंकने मत, मर जाएंगे हम सब। शाबाश दामाद जी, बिल्कुल बिल्कुल शेर की तरह तुमने बम मारा और वो नरसिंह चौधरी दुब दबाकर भाग गया। ए, सुनो, ये सारे हथियार ले जाकर तालाब में धो डालो। अरे दीदी, अरे दीदी, दीदी, माँ, 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 हाँ बेटा। माँ, सुबू, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ, सुबू, सुबू, माँ, सुबू, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हमें गांव नहीं चाहिए, हमें इनका प्यार भी नहीं चाहिए। तुम सौम्या को भूल जाओ ना बेटा, भूल जाओगे ना? ये नहीं हो सकता, बात शादी तक पहुँच चुकी है माँ, और अब तुम ऐसा कह रही हो। हे भगवान, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मुझे डर लगा रहता है। तेरी शादी के बाद मैं बहू के साथ खुशी से रहूंगी, यही सोचा था, और यहाँ देखा तो मार काट यहाँ पर चलती रहती है। हे भगवान, ये लोग इंसान नहीं, कसाई है। इन्होंने जब मुझसे कहा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैं इन्हें बेवकूफ समझती थी, इसीलिए हम लोग इसे सपोर्ट करने आए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे बेटा, चले जाएंगे। शिवराम, आप सब लोग मेरी खातिर यहाँ आए हैं, मैं आप लोगों के लिए क्या करूँ मेरी समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह से आप भेष बदल कर यहाँ रह रहे हैं, उसी तरह मेरे पिताजी को नहीं बदल पाए। हमारे प्यार की खातिर तुम्हारे परिवार वाले जो तकलीफ उठा रहे हैं, वो अब मुझसे देखा नहीं जाता। सभी लोग प्यार करते हैं, सोचा था मेरे बेटे का भी वैसा ही प्यार होगा, लेकिन नहीं, मेरे बेटे ने एक अत्यंत गुणवंती लड़की से प्यार किया है। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बेटी, देखो बेटी, तुम हमारे घर की बहू हो, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए नहीं आए। मैं सच कहता हूँ, हम अपनी इस प्यारी सी बहू को अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, तुम बेफिक्र रहो। भाई, उस नरसिम्हा चौधरी ने आप पे अटैक किया है, उसे आपने जिंदा क्यों जाने दिया? उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए था। अगर वहाँ पे मैं होता तो वो नरसिंह चौधरी हमारे दामाद जी के धमाके से चूहे की तरह दुम दबाकर भाग गया। छोटे भाग गया क्या? उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। बेटी की शादी का मैंने मुहूर्त निकाल लिया है, उसकी शादी करने के बाद उसे मैं उसके ससुराल भेज दूंगा और नरसिंह को ऊपर भेज दूंगा। दोनों काम एक साथ निपटाने हैं, तू यहाँ की चिंता मत कर। छोटे भैया, मेरे बिना शादी कैसे होगी? एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं खुद जाकर उसे काट डालूंगा। समझे जी, ये शादी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा क्यों? सारा खेल बिगड़ गया है। उसने अपने छोटे भाई को फोन किया है, वो यहीं आ रहा है, मैंने अपने कानों से सुना है। भगवान, नहीं नहीं, उसका छोटा भाई यहाँ आ रहा है, अब तो महाभारत शुरू हो जाएगा। जरा चुप ही रहिए आप। जो पानी में उतरता है वो ठंड से, और जंग में उतरता है वो मरने से कभी नहीं घबराता। आप भी ना, हम लोग कोई राजपूत के वंशज हैं जो युद्ध करेंगे? चुप भी रहो तुम लोग। उसे तुम लोगों ने समझ क्या रखा है, हैं? अरे वो राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस। जीजा जी, फिकर करने की जरूरत नहीं है, भले ही हम मंदिर में घंटी बजाकर पूजा करते हैं, लेकिन अब आ गए हैं तो भांजे की शादी करवा के जाएंगे। बिल्कुल सही कहा मामा जी, कितना भी बड़ा शेर हो वो खुला रहेगा तो ही खतरनाक है।
उसे पकड़कर पिंजड़े में बंद कर देंगे तो वो सिर्फ दुम हिलाता ही रह जाता है। ये मेरी जन्म भूमि 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 भूमि, पैदा होना है तो यही होना है, पैर रखना है तो यही रखना है। कौन हो तुम लोग? क्या गेटअप में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं, मच्छर मारने आए हैं। मैं जानता हूँ तुम दोनों पुलिस वाले हो। जानता है तो पूछ क्यों रहा है? साहब दूर से बात करो। रुको 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 रुको, मैं कौन हूँ तुम लोग जानते हो ना? मुझे ढूंढते हुए तुम लोग यहाँ तक क्यों आए हो? डांस करने, डांस। तुझे अरेस्ट करने के लिए आया है इडियट। किस लिए? तूने बड़े बाजार के मार्केट में एक आदमी को नॉनवेज की तरह काट काट कर उसकी बोटियां बना दी थी, इसलिए। ओ, उसके लिए? तुझे अरेस्ट करने के लिए एसपीटी, एसपीटी, आईजी, आईजी सभी लोग आए हुए हैं। कानून की नजर में सिर्फ तीन ही शेर हैं। और चौथा शेर ये है। तुम किसी से भी बच के निकल सकते हो, लेकिन इस अग्नि 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 बस बस दिल जल जाएगा। यस, इस अग्नि आईपीएस के हाथ से बच के निकलना नामुमकिन है। नेम प्लेट में तुम्हारा नाम तो सूर्या लिखा हुआ है। ओह, अरे सूर्या में भी तो अग्नि होती है, इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। टू मच क्वेश्चंस। फिर भी एक बार इन ऑफिसर्स का चेहरा देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे जैसे चिंदी चोर सड़क साफ गुंडे के लिए ऑफिसर्स का चेहरा देखना जरूरी नहीं है। सॉरी, नहीं दिखाएंगे। हाँ क्यों? सीधा अरेस्ट करेंगे। ओ, ये बात है। ए, ए, अब तू कानून के हाथों से बच नहीं सकता है। इंस्पेक्टर अग्नि, कंट्रोल। कानून के हाथ लंबे हैं। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। यस सर। ये पलट रखा लिए। ऑफिसर, मजबूती से बांधना, नहीं तो भाग जाएगा। क्यों, हथकड़ी साथ नहीं लाए क्या? शाना बनता है, तेरे जैसे फंटर लोग हथकड़ी के साथ ही फरार हो जाते हैं। आजकल सारे चोर बहुत चीप हो गए हैं ना। अब बात इंग्लिश झाड़ रहा है वे? क्या सर, बात बात में धुलाई क्यों कर रहे हैं आप? अब थप्पड़ के साथ साथ तुझे। मिस्टर विक्रम राठौड़, टेक इट। ओके सर। अबाउट टर्न। सर, मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांधी है? पुलिस स्टेशन में लेडी कांस्टेबल होती है ना, तो सेफ्टी तो चाहिए। ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। शट अप, बकवास बंद करो। तू बार बार जेल आता जाता रहता है ना, इसीलिए तुझे हर आवाज सुनी सुनाई लग रही है। ये भी आवाज मैंने कहीं सुनी है? ये कोई मामूली मुजरिम नहीं है, इसे हम लोग ले चल के कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। अंदर बैठ, नहीं अंदर बैठ। चुपचाप सर। ए, बैठ। आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? सेंट्रल जेल में। सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ? मुझे किसी और जेल में भिजवा दीजिए। तुझे हम पिकनिक पर ले जा रहे हैं क्या? चल अंदर चल के बैठ। शट अप, बकवास बंद कर। हमने जहाँ सोचा है वहीं ले जाएंगे। गाड़ी आगे बढ़ाओ, चलो। ड्राइवर साहब, गाड़ी में एसी नहीं है क्या? एसी चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर है ना यहाँ पे। मुझे क्यों मार रहे हो? आपको लग गया? सॉरी सर, इसे मारा था। गाड़ी गोल क्यों घूम रही है? क्योंकि दुनिया गोल है। ये दुनिया गोल है सर, ये बात मुझे पट्टी बांधने के पहले ही पता थी। आजा कालिए, यही है वो विश्राम करने वाला वो निवास। कौन सा निवास? विश्राम करने वाला निवास का मतलब पुलिस स्टेशन। तो फिर यहाँ कैदियों की बदबू और बीड़ी की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? हरे कृष्णा, घंटी और पूजा की आवाज। ये पुलिस स्टेशन है? मुझे कुछ डाउट हो रहा है। ए, पुलिस स्टेशन में पूजा पाठ नहीं हो सकती, ऐसा कोई कानून बना है क्या? कर सकते, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कीजिए। ओम कृष्णाय नमः। पुलिस स्टेशन में लेडीज का क्या काम? मेरे लिए तो ठीक है, तुम लोगों से प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों, लेडीज कांस्टेबल पूजा नहीं कर सकती क्या बे? कफन चोर। कफन चोर? तुम लोगों की लैंग्वेज में मुझे बहुत फर्क लग रहा है। टाइम टाइम पे चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ खा के यही मर जा तू। चावल सब्जी अचार भी। नमस्कार, बोलो बेटी। नमस्ते। सुनो शास्त्री, कोई ऐसा मुहूर्त निकालो जिसमें 33 करोड़ देवी देवता और यहाँ की करोड़ों जनता आकर मेरी बेटी को आशीर्वाद दें। ऐसा मुहूर्त होना चाहिए। हाँ, अभी निकालता हूँ।
हाँ? ए शास्त्री, तुमसे मुहूर्त निकालने को कहा गया, तुम सो रहे हो? ए, मैं अपनी तीसरी आंख से मुहूर्त निकालता हूँ, मूर्ख कहीं के। भैया, अरे मजले, दे ताली। बहुत सही टाइम पर आए हो भाई। मैं हमेशा सही टाइम पर पहुँचता हूँ भाई। ये जो बीच में हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा, उसे देख रहे हो, वही हमारा होने वाला दामाद है। नमस्ते जी। कैसा लगा? मैंने सुना है आप लोग चित्रदुर्ग के बहुत बड़े चौधरी लोग हैं। पागल ने ये बताया है? मैंने बताया है संधि जी, लेकिन आप सब लोग अपना चेहरा उस तरफ घुमा कर क्यों खड़े हो? नए लोगों को हम अपना चेहरा नहीं दिखाते, हमें पहचान ना जाए इसलिए। पर क्या पहचान जाएंगे? और कुछ नहीं, दुश्मन लोग इन्हें पहचान ना पाए इसलिए। अरे मुखड़ा तो दिखाओ, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। फिर दिखा दो। शास्त्री जी, ये लड़का तो हीरे की तरह चम 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 चमक रहा है। बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है आपने। ये शादी होने के बाद आपका सेंट्रल जेल में चक्की पीसना कन्फर्म। मंगनी की रस्म पूरी की जाए, खुशी खुशी दो। संधि जी। मैं चित्रदुर्ग का बहुत बड़ा चौधरी। ससुर जी, आप भी हाथ लगाइए। शास्त्री जी, कौन है? आप ही को कहता हूँ। सौम्या भले ही मेरे बड़े भाई की बेटी है, लेकिन मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। उसका दिल दुखी ना हो, यही सोचकर मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात और, आप लोग कौन है ये बात मेरे भाई को पता चलने से पहले सौम्या के गले में मंगलसूत्र पड़ जाना चाहिए, वरना आप लोग भी फंस जाएंगे और मुझे भी परेशानी होगी। पीछे से आकर मुझसे इस तरह लिपट गई हो, न जाने क्यों मुझे कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी हो बहुत मजा आ रहा है। हाय हाय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग साक्षात धरती पर है या धरती साक्षात स्वर्ग पर है, ये सोचकर मैं कंफ्यूज भी हूँ। तुम्हारे इस प्यार से मैं बर्फ की तरह पिघला जा रहा हूँ। पीछे से तो मैं पिघल गया, अब आगे से पिघलने की बारी है। ए, सौम्या, तुम तो बिल्कुल नीलाम्बरी की तरह लग रही हो। मैं नीलाम्बरी हूँ, आइए ना चौधरी जी। अरे बाप रे, ओ मंजनाय नमः, इस पाप से निवारण की जय। नमः। नहीं, दूर हटो। आप तो दूर दूर भाग रहे हो और मंत्र पढ़ रहे हो, मैं भी क्या करूं? दूर हटो। जब से तुम्हें देखा है तुम्हें पाने की इच्छा हो रही है। ये क्या कह रही हो? मना करने के बाद भी जबरदस्ती गले पड़ रही हो? मैं एक बालिक जवान हूँ, इस बात से तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं, मेरे पास तो आओ। अरे छोड़ो, हट जाओ। परस्त्री को हाथ लगाना महापाप है, चलो जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, मैं तो तुम्हारी हूँ ना। नीलम्बरी प्लीज, देखो मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। पास आओ ना। अरे ये क्या कर रही हो? नहीं नीलम्बरी, देखो मैं बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। बाप रे, तुम मेरी इज्जत पर हमला बोलना चाहती हो? मैं मर भी जाऊँ तो भी ऐसा होने नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। ए नीलाम्बरी, वीर प्रताप को तूने फंसा लिया क्या? उसके खाने में जहर कब डाल रही है? नहीं। ए, तुझे वहां क्यों भेजा था? उसको मारने के लिए कि जान बचाने के लिए? उसे मारना है, उसके भाई को मारना है, उसके परिवार को भी, और अगर मौका मिले तो उसके समधी को भी। हाँ, मुझे इतनी मेहनत करके उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसका होने वाला दामाद उसे मार डालेगा। क्योंकि अब वो मेरी मुट्ठी में है। ओहो, तुझे वहां बड़ी शार पकड़ने भेजा था और तू छोटी मछली पकड़ कर लाई। ए नीलाम्बरी, सुना है वो लोग उससे भी बड़े भाई हैं, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। ये तुमसे किसने कहा? सच बताऊं तो वो चौधरी ही नहीं है, ये धागा उसके गले में था। जानते हो ना ये क्या है? ये सिर्फ धागा नहीं है, जनेऊ है। इसे ब्राह्मण ही पहनते हैं ना? शाबाश शाबाश नीलाम्बरी। प्रताप चौधरी, अब तू गया। जानते हो मुझे कितना डर लग रहा है?
वो क्यों? जब मैं हूं तो फिर डर किस बात का? जब मेरे पापा को ये बात पता चलेगी तो वो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुम डरो मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मंदिर में कितने लोग आकर भगवान से वर मांगते हैं, लेकिन मैं बचपन से भगवान की सेवा करते आया हूँ, पूजा करते आया हूँ, लेकिन अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगा। मेरे मांगने से पहले ही भगवान ने मुझे तुम्हें देकर सदा सुखी कर दिया। तुम्हारे पापा हमें जरूर आशीर्वाद देंगे। सच कह रहे हो? प्रताप चौधरी साहब, कैसे हैं आप? शुभ कार्य के लिए मैं निमंत्रण पत्र बांटने निकला था, ऐसे वक्त तेरा फोन। थू, भौंक कुत्ते। जी हाँ, मैं भौंक नहीं आया हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी में ब्रेक लगाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी खबर लाया हूँ। सुनाऊँ क्या? मेरा दामाद तो एक शेर है। जो तुम सोचते हो ना, वो ना ही एक शेर है और ना ही एक चूहा, वो तो मंदिर में पूजा पाठ करने वाला पुजारी है। क्या बकवास कर रहा है तू? सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं है तो उसी से पूछ लो। तुम्हारा जो चिकना दामाद है ना, वो कोई बम फेंकने वाला बहादुर नहीं है और ना ही तलवार चलाने वाला वीर। तुम्हारा सर जो मुझे काटना है ना, उसका श्राद्ध करने के लिए कोई तो चाहिए, पुजारी। वो पुजारी है नरसिंह चौधरी। ए, 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 तेरे ऐसे भौंकने से कोई पुजारी वीर नहीं बन जाता। एक पुजारी के साथ बेटी की शादी करवा रहा है, डरपोक। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया जीजा जी? ये शादी हो जाती तो हमारा कितना फायदा होता। ये शादी अगर हो गई होती तो ये पुजारी गुंडा बन जाता और वीर प्रताप को उसका वारिस मिल जाता और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। उससे तो मैं तड़पा तड़पा के मार दूंगा, देखना, बस मिल जाए नामो निशान मिटा दूंगा, कोई नहीं बचेगा। ओए शास्त्री! कौन है? चौधरी जी नमस्ते। वो घर पर नहीं है, वो लोग कल ही गांव चले गए हैं। वो गांव चला गया है? उसने जो काम किया है उसके लिए मैं उसकी समाधि वहीं बना दूंगा। सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। दामाद जी, ससुर जी, इसे ही लेकर चलें क्या? इसका क्या करेंगे, मेरे पास इससे भी बड़ा ब्रह्मास्त्र है। हमारी ये आवाज तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है। शास्त्री को वहां से उठा कर लाएंगे और उसके बेटे को वहीं काट देंगे, चलो। ये तो मेरे बड़े भैया की आवाज है। बड़े भैया, बड़े भैया! आवाज तो सुनी भी लग रही है ससुर जी। है, हमारे कान बज रहे हैं, चलो। बड़े भैया, मुझे इन लोगों ने बात। ये तो मेरे छोटे भाई की आवाज लग रही है, ये आवाज यहीं आसपास से आ रही है। भैया, बड़े भैया, आइए ना भैया, मुझे छुड़ाइए ना भैया। अरे 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 छोटे, ये सब क्या है छोटे? तुझे किसने यहाँ पर लाकर बंदी बनाया? बता छोटे, किसने तुझे यहाँ पर बांध कर रखा है? ये बल्लारी जेल है भैया, आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, ये देखकर मुझे रोना रोना आ रहा है भैया। भैया, मुझे देखने के लिए आप अपनी नई पत्नी के साथ आए हैं? छी, अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तेरे सर में दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये कोई बल्लारी जेल नहीं है और ना ही कोई और जेल है। तो फिर? अरे ये गोविंद शास्त्री का घर है। हा? घंटी बजाने वाले हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। मुझे अरेस्ट करने के लिए DCP, DIG, IG, DG सभी आए थे भैया। अरे उन धोखेबाजों ने तुम्हें पुलिस का ड्रेस पहनकर धोखा दिया है और इनको भाई का ड्रेस पहनकर धोखा दिया है। क्या कहा? अब अपनी इज्जत अपने गाँव वालों के सामने बचाने के लिए उन शास्त्रियों का जनेऊ निकाल कर फंदा बना के उनके गले में डालकर और उन्हें पेड़ पर लटकाना होगा। शास्त्री! अब हम लोगों को पता है ना क्या? संधि जी नमस्कार, ये बताइए आज अपने घर में आपने क्या क्या पकवान बनाए हैं? जैसी आपकी पसंद है, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, लड्डू, जलेबी, ये सारी चीजें। कोई त्योहार है क्या? अरे वाह वाह वाह, खाने का नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। चलो चलकर पहले पेट पूजा करते हैं। थाली परोसने से पहले किसी का गर्दन उड़ाने का कार्यक्रम है दामाद जी, यहाँ देखिए। हाँ ससुर जी। ये है हमारा दुश्मन। दुश्मन है तो फिर इसे माफ करके छोड़ देते हैं। दुश्मन को माफ करना भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। इसे भी दुश्मन माफ कर को दो। माफ करना उस भगवान को क्या, इस चौधरी को भी पसंद नहीं है। बेलू, हथियार लाओ। ये लीजिए। दामाद जी, जी बोलिए। इसे तुम्हें ही मारना होगा। रुकिए चौधरी साहब, किसी के हाथ पैर बांध कर उसकी जान लेना
हमारी परंपरा के खिलाफ है। दुश्मन को माफ करके उन्हें छोड़ देना, हमारे पुरखों ने हमें नहीं सिखाया। तो फिर इसके हाथ पैर खोल दूं क्या? अरे अरे खोलना मत, ये हमें मार देगा। क्या रिजी जी, आपके होते हुए मेरा बच्चा ये कत्ल क्यों करे? आप ही से काट डालिए ना। दामाद जी, इसका सर एक तरफ, धड़ एक तरफ और खून गले से लेकर पैर तक बहकर जाना चाहिए। लो काट डालो इसे। अरे अरे मेरा भांजा ऐसा काम नहीं करता। नहीं, अपने दामाद को इसका सर उड़ाते हुए मुझे अपनी आंखों से देखना है। लो पकड़ो हथियार। भांजा, शनिवार है। हाँ, शनिवार है। वाह 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 वाह, अच्छे काम करने के लिए दिन देखा जाता है, लेकिन ये तो मर्डर है। दामाद जी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काट डालो इसे। इसे काट दे, ये कोई बलि देने वाली बकरी है क्या? नो, बस अब बहुत हो गया। आज के बाद मैं खून खराबा नहीं करूंगा। बताइए बताइए, क्यों मैं इस इंसान को मारूं? एक इंसान की जान लेने का हक हमें किसने दिया है? एक गाल में इस तरह थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे करने के लिए गांधी जी ने कहा है। मुझे थप्पड़ मार कर तुम अपने गाल दिखा रहे हो? उस जमाने की बात और थी, इस जमाने की बात और है। गाल की बात हो चाहे जान की बात हो, हिंसा तो हिंसा ही होती है। तो फिर हमारे दामाद जी वो क्या है ना महाशय, बुद्धा, यीशु, मदर टेरेसा और इतना ही नहीं, हमारे गांधी जी के बताए हुए आदर्शवादी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। उनके रास्ते पे क्यों चले? बिन लादन नहीं है क्या? सद्दाम हुसैन नहीं है? वीरप्पन नहीं है क्या? और फिर हमारे दामाद जी नहीं है क्या? इनके आदर्शों पर नहीं चल सकते क्या? उन महान हस्तियों के आगे ऐसे जालिमों की क्या औकात है? हिंसा का बदला हिंसा से ही लेना जरूरी नहीं है। आसपास के लोगों से प्यार करो, उनकी गलतियों को माफ करो और उन्हें छोड़ दो और इस संसार के जनसागर में प्यार बांटो। क्यों, है ना मामा जी? ये सब हम नहीं मानते। तुम इसका सर नहीं काटोगे ये मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन काटे बिना मैं भी नहीं रहूंगा। वर्मा, चल दिखा दे अपना चेहरा। मैटर ओपन हो गया तो इसे सेट करने से क्या फायदा? अब जो हो गया वो हो गया, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ये तो हमारा ही आदमी है, छोटा संधि। कौन है तुम्हारा संधि? तुम हमारे गांव में आए हो, सबसे बड़ी भूल है। उसमें भी हमारे ही बीच में आकर हम सबको बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने। बहुत सयाने की औलाद हो तुम लोग। ऐसे में मैं तुम्हारा हो गया? तूने हमें चूना लगाया? इधर ला रे। याद रखना, एक एक का हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। मारो सालों को। छोड़ना नहीं, और मारो। मारते जाओ। बड़े मालिक, शास्त्री जी भी आ रहे हैं। बस करो, सही समय पर शास्त्री भी आ गया है। आओ बच्चे आओ। बाप रे। आइए शास्त्री जी, आइए आइए। चौधरी जी, लग्न पत्रिका छप चुकी है। शादी के समय पर लगने वाला सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है। लड़की के बाप से ज्यादा मैं ही शादी के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। तुझे सुसु लगी है क्या? सुसु कर रहा है? ये क्या है? ये क्या चौधरी जी, आपने तो खानदानी मूछो को ही शेव कर दिया। वीरों के लिए मूछे ही उनकी शान है और आप तो मूछे मुड़वा कर खड़े हो। हमने कटवाई है। क्यों, आपके घर में कोई व्रत है क्या? इज्जतदारों की बेइज्जती करने की तैयारी चल रही है। मेरे से पूछे बिना व्रत हो ही नहीं सकता। खैर, अब तुम आ ही गए हो ना शास्त्री। हम तैयार हैं, तुम भी तैयार हो ना? हाँ, हम भी तैयार हैं यजमान। वर्मा जी। भैया, ये क्या है? जाम है क्या? नहीं, ब्लड। ब्लड है? ओ शास्त्री जी, मुझे ले जाकर एक हफ्ते तक खूब राशन पानी दिया था ना, बहुत जल्दी भूल गए। अब तुम हो गए। छोड़ा नहीं। अरे अरे, ए मूर्ख, दाहिने हाथ में जल लेकर अगर तुम सबको साथ में श्राप दे दिया ना, तो तुम सबकी जान हवा में उड़ जाएगी। हमारी जान हवा में जाएगी? मैं सोचा था कि तुम लोगों को जाने दूं यहाँ से। जब तक जान नहीं निकल जाए, मारते रहो इनको। रुको नहीं, मारते रहो। और मारो, 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 मत मारो ऐसे। सुनो, ले जाओ इन्हें अंदर, अंदर ले जाओ, ले जाओ। अरे बाप रे, अरे अरे मुझे मत मारो। We'll be right back.
मारो। पापा ये सब क्या हो रहा है? चौधरी रुक जाओ। अरे पापा उन्हें रुकने को कहिए। सुबह मैं तुमसे कह रहा हूँ अंदर जाओ। तुम सुन नहीं रही मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज इन्हें मत मारिए। रुक जाएगी। मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर मुझसे छीनना चाहते हैं। और मारो सोमिया तुम वहाँ से हट जाओ वरना इन लोगों के साथ तुम्हारी भी समाधि बना दूंगा। आपको जो करना है करिए इसमें इनकी कोई गलती नहीं है सारी गलती मेरी है पापा। गलती भले ही तुम्हारी तरफ से हुई हो लेकिन सजा इसे ही मिलेगी। तुम अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी पापा। इन लोगों को नाटक करने के लिए मैंने कहा था आपको मनाने के लिए सुबह को पाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट करके इन्हें यहाँ आने के लिए कहा था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पापा प्लीज प्लीज पापा इन्हें छोड़ दीजिए। छोटे भाई इसे अंदर ले जाकर बंद कर दो। पापा घसीट कर ले जाओ। पापा सुबह को अगर कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पापा से छोड़ दीजिए। क्या कहा? अगर ये जिंदा नहीं रहा तो तुम भी अपनी जान दे दोगी। ठीक है मैं इसे अभी खत्म कर देता हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप जो यहाँ कर रहे हैं बाहर के लोगों को पता चलेगा तो सौम्या की बदनामी होगी। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाहर के लोगों को पता चलने से पहले इन सबों को यहाँ से जाने दो। दफा हो जाओ। भाई साहब हम लोग जा रहे हैं। आपको हम लोगों ने बहुत परेशान किया। भगवान के लिए हमें माफ कर दीजिए। मुझे उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है बहन। मेरी लाख कोशिश के बावजूद मैं उन दोनों को एक नहीं कर पाया। मुझे उसी बात का दुख है। लेकिन जो भी होगा तुम फिक्र मत करना अच्छा ही होगा। सुबह को अगर कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बस रुकिए। क्या हुआ बेटा? नहीं माँ मैं सौम्या के बिना नहीं आ सकता। क्या? मुझे जाने दो मैं सौम्या को लेकर ही आऊंगा। सुन ए, उसे जाने दो सौम्या ही हमारे घर की बहू है। दामाद जी उधर देखिए उसकी इतनी हिम्मत इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। चलो आओ। रुक जाओ अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तुम्हारी लाश गिरा दूंगा। सौम्या मेरे बिना जी नहीं पाएगी इस बात का डर है मुझे। इसके अलावा मुझे अपनी जान गंवाने का कोई डर नहीं। ऐसा क्या? वर्मा ए, गांव वापस जाकर मंदिर में पूजा करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो। यहाँ रहोगे तो हम सब मिलकर तुम्हें डायरेक्ट भगवान के पास ऊपर भेज देंगे। ससुर जी आप हट जाइए। इन्हें क्या समझाना। ए, जब मैं यहाँ पे नहीं था तो तुम लोगों ने अपने आप को 30 बार खां साबित किया। तू पैर रखता है तो चलचला आता है। देखो भाई वो एक झूठी कहानी थी लेकिन अब तो है वो सच्चाई है। अब पैर की ताकत से धमाका कर तो। नहीं भाई देखिए नहीं। बोला ना धमाका कर। मैंने कहा नहीं। डरना मैंने कुछ नहीं किया मामा। देख हाँ जी तेरे अंदर को पावर है वरना वो सूमो इस तरह हवा में नहीं उड़ जाती। काट डालो इन्हें। खामोश रहो तुम लोग। इन लोगों ने हमारे सामने ही सूमो को उड़ा दिया है तो फिर हमारे घर के अंदर पता नहीं कहां कहां पर बम रखे होंगे। ए चौधरी आपकी सौम्या की और हमारे शिवराम शास्त्री की शादी ऊपर वाले ने पहले ही तय करके भेजी है। चाहे तुम बीच में आओ चाहे वो बीच में आए या चाहे दुनिया का कोई और आदमी बीच में आए जो इस शादी में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा उसका सर धड़ से अलग होकर लुढ़कता हुआ नजर आएगा। लुढ़कता हुआ। ए भांजे बजा बजा। तद तेरी की उसकी गाड़ी में बम रखने के बाद भी प्रताप चौधरी के घर से निकलने के ऐन मौके पर पुजारी के वहां पहुंचते ही प्लान चौपट हो गया। अरे जब सही समय नहीं होता ना जीजा तो सारा प्लान उल्टा हो जाता है। वो वीर प्रताप चौधरी
अपनी बेटी के लिए दूसरा रिश्ता दिख रहा है। अगर रिश्ता पक्का हो गया कुछ नहीं हो सकता। नहीं होने दूंगा। शास्त्री जी, हम पुलिस को जाकर बताएं। किसी को बताकर कोई फायदा नहीं, वो वीर प्रताप सिंह किसी की बात नहीं सुनता। शास्त्री जी, बच्चों का प्यार करना गलत नहीं है, इस बार गलती बड़ों की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे शास्त्री एक होकर इस शुभ कार्य को पूरा करेंगे। तथास्तु। क्यों दीदी, मेकअप और ज्वेलरी बहुत बढ़िया है, उस शास्त्री को छोड़कर किसी और के साथ शादी करने के लिए हाँ किया? यहाँ मेरा सुब्बू जरूर आएगा। मेरी शादी शिवराम शास्त्री के साथ ही होगी। वो यहाँ आएंगे, ऐसी कोई भविष्यवाणी हुई है क्या? ऐसा ना हो कि उनकी एंट्री के पहले बड़े पापा उसे काट न डाले। क्यों भैया, शादी के टेंशन हो रही है क्या? कोई टेंशन नहीं है, जरा उधर देखो मेरा दामाद कैसा है। शाबाश। बंदर के हाथ में खिलौना दे दिया ऐसा लग रहा है, आप ही देख लीजिए। मुहूर्त का टाइम हो गया, अभी तक पंडित नहीं आया। भैया क्या बात है, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? मुहूर्त का समय बीता जा रहा है और पंडित अभी तक नहीं आया। टेंशन नहीं होगा तो और क्या होगा? दामाद जी, मैंने पूरा गांव छान मारा, जमी शादी को करवाने के लिए कोई भी पंडित आने को तैयार नहीं। मेरी शादी को ऐसी वैसी शादी नहीं समझना, वरना काट के रख दूंगा। ससुर जी, हा? ये शादी करवाने के लिए कोई पंडित मिलेगा भी या नहीं? मैंने बताया ना दामाद जी, कोई भी पंडित तैयार नहीं है। तू कह रहा है मेरी शादी कराने पंडित नहीं आ रहा? अरे वहाँ देख, पंडितों की फौज आ रही है मेरी शादी कराने। आइए आइए पंडित जी, हाँ हमारी शादी करानी है आपको। ये शास्त्रियों के बारात जो आ रही है वो शादी करवाने के लिए नहीं, शादी रोकने के लिए आ रही है। सभी लोग एक साथ यहाँ मरने का इरादा लेकर आए हैं क्या? जब दोस्त की जान खतरे में हो तो खुद की जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। शास्त्री, प्रवचन बंद करो, मेरी जो समझ में आए वो बोलो। जन्म, मृत्यु, पैदा होना, मरना, ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है। वो मैं भी जानता हूँ, रामायण मैंने भी पढ़ी है। ये रामायण में नहीं लिखा है मूर्ख, भागवत गीता में लिखा है। रामायण को ही भागवत गीता भी बोलते हैं, पता है मेरे को। चौधरी जी, आपकी बेटी के खातिर शिवराम शास्त्री अपनी जान देने के लिए तैयार है, आप जरा सोच कर देखिए। वीर प्रताप जी, ये छुरी तलवार बम बंदूक छोड़कर एक बार शांति से सोच लीजिए। बहुत ज्यादा भाषण हो गया तुम्हारा, सबको मैं काट डालूंगा, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ऐ, काट डालो सबको। आता हूँ, रुक। वर्मा, तू मेरा मुंह क्या देख रहा है, काट डालो सबको। भैया भैया, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा है। ऊपर से आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं इन लोगों का सर काट डालूं। इन लोगों के सामने ये शादी करवा कर मैं दिखा दूंगा कि आपकी पावर क्या है। एक एक तो काट कर फेंक दो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो मरने के लिए यहाँ आया है, काट डालो सालों को। मजले, देख क्या रहा है, शूट कर सबको। मेरे पिस्तौल में बुलेट नहीं, डमी है भाई। क्या किसी ने भी आगे आने की हिम्मत की ना तो उसका सर काट कर नीचे फेंक दूंगा। हे वीर प्रताप, तुझे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। पहले तेरी बेटी को मारूंगा, फिर तुझसे हिसाब करूंगा। देखो तुम लोग आपस में कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे सौम्या के बारे में अगर कुछ कहा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हाँ कह देते हैं। रुक जाइए। नहीं, अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो ससुर जी की जान को खतरा हो सकता है। वो सौम्या को मारे बिना प्रताप को नहीं मारेगा। सौम्या को बचा लिया तो सब ठीक हो जाएगा। तुम में से कोई असल बाप की औलाद है तो इसको मार के दिखाओ। भैया, ये आग मार रहा है भैया। ए,
उसने आंख तेरी तरफ देखकर नहीं मारी है, हमारे दामाद को मारी है। वीर प्रताप को आंख मारने से गुस्सा आ रहा है तो नरसिंह चौधरी को भी आंख मारते हैं, उसे भी गुस्सा आने दो। जो कोई भी उसका सपोर्ट कर रहा है उन सबको मार दो। नरसिंह जाओ, इन्हें ले जाओ भाई। सुमो। ससुर जी मत जाइए, सुनिए तो। कौन है तेरा ससुर जी? छोड़ो मुझे, सुमो। सोम्या, सोम्या, ए, काट डालो दोनों को। सुमो। सोम्या, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं सुबू, तुम कैसे हो? सुबू, ये हमारे पास आखिरी मौका है, जिएंगे तो एक साथ जिएंगे, मरेंगे तो एक साथ। ये सिर्फ एक मंगलसूत्र नहीं है, ये हमारा प्यार है। हमारे प्यार की जीत होगी यही सोचकर तुम्हारी कलाई पर बांध रही हूँ। सुबू, हम दोनों जिएंगे या मरेंगे ये फैसला हम भगवान पर छोड़ते हैं। सोम्या, मैं तो... सुबू, हमारा प्यार जरूर जीतेगा। सोम्या, मैं इस वक्त... क्यों लड़ा रहे हो? अरे मार दो इन दोनों को। लड़का, उसे संभालते हैं। चल उसे भी खांचे में लेते हैं। तुम जाकर उसे खांचे में लो, मैं यहाँ से खिसकता हूँ। नहीं, नहीं नहीं, चलो चलते हैं। कहाँ भाग रहा था? तुम लोग हमारे गांव की लड़की ले जाओगे? अरे तुम्हें दिखाता हूँ। तेरी इस तलवार से इसकी अकल बड़ी है, मेरे बॉयफ्रेंड पर हाथ उठाएगा तू? ले। अरे बजाओ, मेरी हेल्प करो। ससुर जी, नहीं ससुर जी, छोड़ मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। रुक जाइए ससुर जी, रुक जाइए।
तुम दोनों सदा सुखी रहो। Oh, I'm sorry. सौम्या।